प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है KVPY के लेक्चर में, है ना। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, आपको थोड़ा सा दिखाया कि देखो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर था, 2018 का पेपर था जो हमने, है ना, देखा था, जो 11th स्टैंडर्ड का था। ठीक है, हम लोग दोनों ही लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 11th और 12th दोनों के ही। बट यहाँ पे अभी हमें नोटिस करना है बच्चों ये कि देखो, जब भी हम लोग ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कर रहे थे, तो हमें ये समझ में आया कि देखो कौन से चैप्टर्स है जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ हम लोग सिंपली ये भी देखते हैं, अगर आप लोग बायोलॉजी का सपोज ओलंपियाड वगैरह तैयारी करते हो ना, तो आपको पढ़नी पड़ती है कैंबेल की बुक। ठीक है, जो कैंबेल बायोलॉजी होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग कैंबेल बायोलॉजी। ठीक है, सो वो पढ़ते हैं लोग, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल दिया गया है हर चीज का। चलो, KVPY एग्जामिनेशन में आपको जो भी डेटा पूछा जाता है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डेटा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी है NCERT में या CBSE लेवल पे, वो डेटा आपको पूछते हैं, मतलब वो एग्जाम्पल्स आपको पूछते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने समझा क्वेश्चन से, है ना, देखो ये चैप्टर है जिसको हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें ये जो चीज है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स लेवल पे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, मतलब देखो इसके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इवन प्रोबेबिलिटी वाले भी क्वेश्चंस वगैरह जो भी है, ठीक है, वो हमें चेक करने पड़ेंगे, वो हमें समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। ठीक, उसके साथ साथ देखो, अगर हम लोगों को चाहिए इवोल्यूशन वाला भी जो चैप्टर होता है, पोर्शन है जो आपने 10th में पढ़ा था, उसको भी हमें कवर करना पड़ता है। जेनेटिक्स जैसे ही आता है ना, इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा, वो है बायोटेक्नोलॉजी, जो इमर्जिंग फील्ड है। ठीक है, एंड देन देयर इज अनदर पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। इकोलॉजी देखो, इसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल साइंस, खास करके यहाँ पे जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं। और एक है जो सबसे बेसिक है, जो बायोमोलिक्यूल के साथ ही होता है, वो है बेटा सेल और उसका डिवीजन। ठीक है, अब इसके अलावा एक चैप्टर के बारे में हमने जो है ना वाटर वाला देखा था, वो था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और दोनों ही प्रकार की फिजियोलॉजी जो है, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी खास करके, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप ये जो क्लासिफिकेशन वाला जो पोर्शन होता है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो उसको ना ही पढ़ो तो भी, है ना, आपका काम बन जाएगा। ठीक, दैट इज व्हाट द फंडा। अगर आप बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से है तो आपको बेटा क्लासिफिकेशन जो होता है, मतलब एंटायर टैक्सोनॉमी और जो एंटायर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, ये सारी भी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ती है। तो देखो, जो 10th लेवल पे आपको नॉलेज था, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, मतलब ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, एस्क्रेटरी सिस्टम काम कैसे करता है ना, ये सब जो चीजें हैं वो डेफिनेटली आपको आनी चाहिए। और देखो, प्लांट फिजियोलॉजी लेवल पे भी हम लोग सादे सादे जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग देखेंगे, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बहुत अगर मैं सिंपली ये पूछना चाहूँ आपको कि देखो, अगर मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना चाहता हूँ, है ना, टू प्रोड्यूस वन ग्लूकोज, ठीक है, तो कितने CO2 लगेंगे, हाउ मेनी CO2 वी नीड। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत बड़ा या तो कोई, है ना, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सो हाउ इट इज आंसर्ड, सिंपल, देखो हमेशा हमें पता होना चाहिए दिस इज व्हाट द, है ना, 6 CO2 देन 12 H2O, है ना, ये चीज है पक्का, 12 H2O, and then in presence of chlorophyll A and all the things will be there. So आगे क्या होगा, आगे definitely बेटा हम लोगों को समझ में आएगा कि चलो यहाँ पे मिलेगा, ये empirical formula लिख देते हैं, CH2ON plus and there is a liberation of oxygen. So by this way, अब यहाँ हम लोगों ने क्या देखा है कि एक reaction देखी है, ये glucose जो है
है ना, ये ग्लूकोज है. नाउ दिस इज वेरी सिंपली यू कैन आंसर 6CO2. ऑब्वियस है, आराम से जवाब दे सकते हो, इजी है, कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. बट अगर वो ये पूछे कि बताओ कि मुझे एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी, हाउ मेनी प्रोटॉन, नाउ दैट नीड्स सम साइटेशन, यस और नो, कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में, है कि नहीं. तो देखो यहाँ पे एक सिंपल है कि जब भी 6CO2 यूज होते हैं तो बेटा 6O2 भी रिलीज होते हैं. और हमें ये मालूम, अगर है किसी बच्चे को ये मालूम है कि एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, है ना, वन ऑक्सीजन वी नीड 8 प्रोटॉन, क्योंकि देखो ये फोटोसिंथेसिस है, मतलब डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द लाइट, लाइट एनर्जी क्वांटा, ठीक है. तो डेफिनेटली बेटा वी नीड 8 प्रोटॉन. और जब हम लोग ये बात बोलेंगे, अच्छा ओके, तो 8 प्रोटॉन फॉर वन ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, तो यू डू दैट 6 × 8. तो बेटा पर ग्लूकोज आपको दिखेगा कि कितने प्रोटॉन, है ना, लग रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 × 8. नाउ इसी को बेटा हम लोग आगे बढ़ाते हैं. तो इसका बेसिक, इन सब का बेसिक क्या है, चाहे आप जेनेटिक्स पढ़ोगे, चाहे इवोल्यूशन पढ़ोगे, एनीथिंग, जैसे ये प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जो भी आप पढ़ोगे, इसका बेसिक बेटा ये चैप्टर है, बायोमोलेक्यूल, ठीक है, बायोमोलेक्यूल या सेल, है ना, ये चैप्टर्स है जो कि इनके बेसिक्स में आते हैं. अगर हम लोगों को ये सही ढंग से आते हैं तो ऑब्वियसली बेटा हम लोग जंग जीत जाएंगे, ठीक है, मतलब हमारा बहुत बढ़िया सा जो है क्लैरिटी रहेगा आंसर देते वक्त. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल चैप्टर, द बायोमोलेक्यूल, ठीक है. जैसे बायोमोलिक्यूल थोड़ा आधा हो जाएगा, थोड़ा पोर्शन हो जाएगा, तो हम भी कुछ भी, है ना, बीच में कुछ क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में किया था. जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेम्प्ट नहीं किया है वो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो अपलोडेड है वो हमारे अपने IITians Hub के चैनल के ऊपर, तो आप जस्ट KVPY लेक्चर 1 ऐसा भी डालोगे तो तुरंत आ जाएगा वो, है ना, सर्च में IITians Hub के चैनल पे, तो आप देख सकते हो. बट दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट क्लास आई कैन से. सो लेट्स बिगिन सर. हाँ बोलिए सर. आपने लास्ट क्लास कुछ लिखवाया था सर? मैंने अटेंड नहीं किया था लास्ट क्लास. क्या बेटा? सर आपने लास्ट क्लास कुछ लिखवाया था क्या? कुछ नहीं लिखाया था मैंने. ओके सर, ठीक है ना, कुछ नहीं. ओके सो थैंक यू. तो देखो बेटा हम लोग सिंपल बात करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, यू नो. देखो सबसे पहले आपको वर्ड समझना पड़ेगा कि बायोस्फीयर क्या है. बायोस्फीयर का मतलब होता है कि जैसे लिथोस्फीयर अगर क्या है, एटमोस्फीयर क्या है, ये वर्ड अगर हम देखें तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब है एंटायर कंटेंट ऑफ वाटर, लिथोस्फीयर अर्थ का पोर्शन सॉइल, एटमोस्फीयर बेटा एयर. वैसे ही बायोस्फीयर का मतलब होता है द होल एंटायर, जो भी बेटा बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर किसी भी कॉर्नर में मिलते होंगे उसको टोटली मैं बायोस्फीयर कहता हूँ. इसको मैं सादी भाषा में अगर बोलूं तो टोटल बायोलॉजिकल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज अ बायोस्फीयर, ठीक है, सिंपल. या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ अर्थ अप टू विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड. जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आप अर्थ सरफेस से सपोज 16 किलोमीटर के ऊपर चले जाओगे इन एटमोस्फियर, तो वहां पे आपको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है. अगर वो कहीं पे आपको कोई दिखे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर पे, तो समझ जाना कि वो अर्थ से बाहर से आया है, ठीक है, वो अपने इधर का नहीं, वो एलियन है, ठीक है. सो सिंपल, देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये वाइड डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा सर कितनी डाइवर्सिटी है. तो अभी तक हम लोगों को ये है कि हमारा प्रिडिक्शन है कि 7 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटा स्पीसीज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. 7 मिलियन, दिस इज द एस्टिमेट हमने सोचा है ऐसा हो सकता है. हमें आज कितने पता है? द आंसर इज 1.7 टू 1.8 मिलियन, दिस इज आवर आंसर, ठीक है. 1.8 मिलियन बेटा, इतना नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, जो कि नोन है, जिनकी स्टडी ह्यूमन कर चुका है, ठीक है. अब इसमें बहुत सारे बेटा, एवरी डे आप देखो, कोई भी डिस्कवरी चैनल देखो, नेट जियो देखो, हर बार रोज वो कपड़े पहनते हैं, समुंदर में कूदते हैं, ठीक है, हर बार नई मछली ढूंढ के निकालते हैं, ठीक. सी हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है इसका, ये बिल्कुल बेटा KVPY में पूछा जा सकता है. तनय का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर
हम लोग 7 मिलियन क्यों सोचते हैं? पहले हमारी सोच थी कि लगभग 30 to 50 मिलियन हो सकते हैं ये वाले, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशंस किए हैं, जिस स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस किए हैं, ठीक है, जैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं ना कि थर्ड वेव कब आएगा, फोर्थ वेव कब आएगा कोविड का, सेम वे है ना, स्टेटिस्टिकल स्टडीज की गई है। ये स्टेटिस्टिकल स्टडीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इंसेक्ट्स की वैरायटी को, इंसेक्ट्स की स्पीसीज को। तो जब भी बेटा हम लोगों को इंसेक्ट्स की स्पीसीज देखते हैं, मतलब आपने अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म देख लिए, सपोज 10 ऑर्गेनिज्म उठा लिए ना, तो उसमें से 7 तो इंसेक्ट की स्पीसीज है। तो शायद ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो करने वाला ग्रुप कौन सा है अर्थ के ऊपर, तो आंसर देना बेटा ये कौन, इंसेक्ट्स, ठीक है। मतलब 70% बेटा इनकी डाइवर्सिटी है। अगर इसको हम लोग बायफर्केट भी करें ना, जो नंबर मैंने अभी बताया है, आप अगर नोट कर रहे होंगे, अगर मैं इसको बायफर्केट करूँ ना 1.7 को, मान लेते ये मिनिमम नंबर हमने एक्चुअल मान लिया, तो इसको बायफर्केशन करते हैं तो बेटा 1.2 मिलियन एनिमल के स्पीसीज है और 0.5 मिलियन जो है बेटा प्लांट के स्पीसीज है, ठीक है। मतलब डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा है, एनिमल्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लांट्स, क्योंकि वो उनका सेडेंटरी हैबिट है, एक ही जगह पे रहते हैं, तो उतने जल्दी उनका स्पेशिएशन नहीं हो पाया है। सो देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। तो पॉइंट क्लियर है, सिंपल है, डेटा भी आ गया है। कुछ क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग बिल्कुल 100% बेटा ये आप बता सकते हो, ठीक है। अगर आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, तो इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम, जिसमें इंसेक्ट्स मतलब कॉकरोच एंड ऑल, इवन स्कॉर्पियन उसी में आता है। तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, मोर डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज, मोर वेरिएशंस यू कैन सी इन दिस ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा कंसर्न ये है कि जब भी हम लोग इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं एनिमल्स को, क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में कि यार ये बने कैसे हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेम केमिकल्स, हम लोग बोलते हैं कि वो सेल से बने हैं, बट सेल किस चीज से बना हुआ है? तो फिर आंसर आता है सेल इज मेड अप ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है ना, उसमें ऑर्गेनल्स है डूबे हुए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, राइबोसोम भी एक ऑर्गेनल है। तो ये सारे ऑर्गेनिजल ऑर्गेनल जो है वो डेफिनेटली प्रोटोप्लाज्म में डूबे पड़े हैं। ये एक सोल जेल कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म, सोल मतलब सॉल्यूशन, जेल मतलब जेल, यू नो, ठीक है, वो ट्रांजिशन में है। तो उसका केमिकल नेचर जो है डेफिनेटली बेटा, अगर हम लोग देखें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेम केमिकल्स, इवन, हाँ देखो, इस साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म सेम। तो बेटा यहाँ पे जो आंसर आता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेनेंट है वो उसका साइटोप्लाज्म है, मतलब सेल के अंदर का कंटेंट टोटल, ठीक है। बट ये जो भी है इसको मैं कहता हूँ प्रोटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। नाउ सपोज एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा दो हिस्से बनते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का हिस्सा, ये जो है न्यूक्लियस है बेटा अंदर का। तो ये वाला पोर्शन क्योंकि ये सेल का है तो इससे मैं साइटोप्लाज्म कहता हूँ, और बाकी वाला पोर्शन जो है बेटा उससे मैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो जाएगा बेटा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये चीज इसको हम लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज इन प्रोकैरियोट्स आर साइटोप्लाज्म इज इक्विवेलेंट टू द प्रोटोप्लाज्म, यस, श्योर, ओके। तो यहां आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स, मतलब वही प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अगर हम इवोल्यूशन के बारे में, सब लोग ये पॉइंट बड़ा अच्छे से नोट करना कि इवोल्यूशन के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो बताओ कि कौन सा कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आज एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कौन सी चीज सबसे पहले बनी होगी जब लाइफ का ओरिजिन हुआ, ठीक है। ऑप्शन है लिपिड है, ऑप्शन बेटा विटामिन है, ऑप्शन में डीएनए है, ऑप्शन में आरएनए है, ऑप्शन में बेटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑप्शन में प्रोटीन है। तो ये सारे मॉलिक्यूल के नाम बता दिए मैंने, आपको बस इतना बताना है कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर कौन सी चीज बनी होगी इनमें से,
तो ये क्वेश्चन आपको पॉसिबली केवीपीवाई में पूछा जाएगा. ऑब्वियस एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन इज द आंसर. सबसे पहले प्रोटीन ही बने. इसको साबित करने के लिए एक उरे मिलर का एक्सपेरिमेंट आता है. ठीक है, उरे मिलर ने इसको साबित भी किया है. हाउ? देखो यहाँ पे हमें ये समझना है कि है ना, जो भी प्रोटीन्स है इनमें एक एबिलिटी है बेटा, एक पर्टिकुलर एबिलिटी है कि जब भी हमारी बॉडी डेवलप होती है, सेल बनता है, तो सेल में जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो भी बाउंड्री बनती है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन एंटायरली एक्चुअली डन बाय द प्रोटीन. मैं आपको ये बता दूं, अगर आप में से कोई बच्चा, ठीक है, अगर देखो फॉरेन कंट्रीज में तो बाइफर्केशंस कुछ भी नहीं है. जब आप रिसर्च कर जाओगे, अगर जाते हो, तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि आज जो जो भी फोकस है रिसर्च का, वो डीएनए और आरएनए के ऊपर ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा फोकस प्रोटीन के ऊपर है. क्यों? क्योंकि प्रोटीन हर चीज में बेटा इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है. तो प्रोटीन इज द आंसर. ठीक है, सारे ही ऑर्गेनिज्म आप देख लो दुनिया भर के, हर इसमें बेटा प्रोटीन अवेलेबल होता है. ठीक है, तो प्रोटीन बना है और इसको साबित किया है पूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में. कोई कुछ पूछना चाहता था बोलिए. सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो प्रोटीन वाला? क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन ये है कि अगर हम मानते हैं कि हॉट सूप जो था, मतलब बहुत गर्म पानी था, उबलता पानी, उसमें पहला कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल बना होगा जो भी आज लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, तो वो ही ओरिजिन है लाइफ का, है ना. इसमें आपको ऑप्शंस देते हैं बेटा, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, ये एक्चुअली तीन ही ऑप्शंस मेनली होते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा कि प्रोटीन सबसे पहले अर्थ के ऊपर आया. मैं आपको सीक्वेंस भी लिख के दे देता हूँ. सीक्वेंस से बेटा पहले अर्थ के ऊपर प्रोटीन्स डेवलप हुए, देन बेटा आरएनए डेवलप हुए, एंड देन बेटा डीएनए आया. ठीक है, डीएनए इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द आरएनए, अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, है ना. हाउ, ये क्वेश्चन का भी हमें आंसर समझना पड़ेगा. ठीक है, बट उसके लिए पहले प्रोटीन्स को, आरएनए को, डीएनए के केमिकल नेचर को बेटा हमें समझना पड़ेगा. हमारा पहला एम तो यही है ना. ख्याली पुलाव पकाना बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है, कोई भी कुछ भी बोल दे. तो मैंने सिर्फ इसके एविडेंस में एक ही चीज बोली कि उरे मिलर का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ये करके दिखाया कि कैसे अगर हम लोग एक ऐसा फ्लास्क लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डालते हैं और उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स डालते हैं, तो उसमें आपको अमीनो एसिड बनते हुए दिखते हैं नेचुरली. मतलब जिस तरह का एटमॉस्फियर, जिस तरह का वेदर, जिस तरह का कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, जब बेटा अर्थ की शुरुआत में रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर था, वैसा रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर हमने क्रिएट किया, उरे मिलर ने क्रिएट किया. ठीक है, उसमें बिल्कुल इनिशियल लेवल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स डाल दिए, जैसे कि CO2 डाल दिया. ठीक है, CO2 पोर कर दिया, NH3, NH2, अमोनिया जैसी चीज डाल दी. ठीक है, H2O डाल दिया. अब ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, इसको भी हमने ऐड किया. तो इनके कॉम्बिनेशन से देखो आरएनए भी बन सकता है, डीएनए भी बन सकता है, प्रोटीन भी बन सकता है. तो एक्चुअली बने अमीनो एसिड्स बने. इसका सीधा मतलब है कि ना, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन. तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर हम लोग आएंगे. ग्लाइसिन इज अ वेरी सिंपल अमीनो एसिड. तो कैसे है वो, ये हम लोग देखेंगे. तो ग्लाइसिन, एलेनिन, ये बहुत सादे और सिंपल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स के. तो ये बने. ठीक है, और भी आगे हमने रिसर्च को आगे बढ़ाया. देखो आज हमने इतना रिसर्च को आगे बढ़ाया है कि एक साइंटिस्ट ने इवन 2008 में ही है ना, ऐसे करके बेटा लिविंग सेल भी बना दिया है. मतलब फ्रॉम ऑल केमिकल्स लिविंग सेल. तो बेटा है ना, मतलब इनके आंसर्स हमारे पास में है. हमने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया है. ऐसा कुछ भी नहीं बोल दिया कि क्या हुआ होगा. यस, चलो आगे बढ़ते हैं सर. तो हाँ बोलो. आपने भी बोला कि 2008 में उसने लिविंग सेल बना दिया. यस सर, वो सेल सर मतलब अपने भी मल्टीप्लाई होकर पूरा ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल, लिविंग सेल बनाया है और लिविंग सेल वो मल्टीप्लाई होता है. आप सुनोगे जब आप 40-31 साल के हो जाओगे तो उस बंदे को नोबेल प्राइज मिलेगा. ठीक है, आज नहीं मिलता. देखो किसी भी इंसान को नोबेल प्राइज जिस दिन उसने, भले 1-2 साल में 10 साल में नहीं देते, है ना, बूढ़ा होने देते उसको, पूरा मरने के पहले देते हैं.
तो ऐसा करते हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी है, ऐसा भी नहीं है, बट देखो थोड़ा सा है कि उसकी जो रिसर्च है उसका कुछ साबित तो हो कि उसका रिसर्च कुछ काम आया आगे, ठीक है, तो ही बेटा उसे इसको नोबेलिटी मिलती है। चलो, सो यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। मतलब देखो, मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि सेल्स में एक्चुअली कौन से केमिकल है, तो हमारे पास रास्ता है केमिकल एनालिसिस का, एलिमेंटल एनालिसिस का। तो हमारी जो एनसीईआरटी है, क्योंकि केवीपीवाई इसी को फॉलो करके आंसर्स भी पूछेगा, क्वेश्चन भी पूछेगा, जो कि वन मार्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा हमें ये एलियल एनालिसिस के बारे में समझना पड़ेगा। बहुत आसान चीज है बेटा, एनालिसिस इज अ प्रोसेस, बराबर, वेयर अ सैंपल ऑफ सम मटेरियल, सॉइल ले सकते हैं, वेस्ट और ड्रिंकिंग वाटर कुछ भी ले सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स ले सकते हैं, मिनरल्स ले सकते हैं, केमिकल कंपाउंड कुछ भी। हम लोग टिश्यू लेंगे, प्लांट का टिश्यू ले लेंगे, लीफ को काट लेंगे, कोई पत्ता ले लेंगे, ठीक है, एनिमल टिश्यू लेंगे, हमारा स्किन ले लेंगे, ये सब करते हैं, इज एनालाइज फॉर द एलिमेंटल कंपोजिशंस। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है इसको बेटा हमने एनालिस करने की कोशिश की, ठीक है, चलिए इसके क्या मेथड्स वो बताते हैं, इसको भी सोच लेते हैं। व्हेन एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, ठीक है, इस पे क्या हो सकता है ना, हमें क्या मिलेगा, ये लिस्ट मिलेगी ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेवरल अदर एलिमेंट्स वेयर ऑब्टेंड ना पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। अभी ये जो चीज होती है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बायोमास। बायोमास खास करके बेटा इंडिकेट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के या टिश्यू के ड्राई वेट को, ड्राई वेट मतलब विदाउट द वाटर, ठीक है, विदाउट वाटर कैसे मिलेगा, आप एक प्लांट ले लो, उसके पत्ते जमा करो, उसको जला दो, इफ यू बर्न इट व्हाट विल हैपन, वाटर कंटेंट निकल जाएगा, है ना, मिनरल्स बचेंगे, तो आप मिनरल का एनालिसिस करना शुरू करोगे। माइक्रोबियल पेस्ट का मतलब होता है कि हम माइक्रोब्स का कल्चर करते हैं और उसका होमोजेनाइज मिक्सचर बना लेते हैं माइक्रोब्स का, ठीक है, सो क्योंकि देखो एक सिंगल बैक्टीरिया से तो आप केमिकल एनालिसिस नहीं कर पाओगे, बहुत कम क्वांटिटी मिलेगी, तो हम लोगों को बहुत सारे बैक्टीरिया चाहिए, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, पहले कल्चर बना लेते हैं, अगार प्लेट के ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ग्रो होने देते हैं, फिर उनको आइसोलेट करके उसका होमोजेनाइज पेस्ट बना लेते हैं, तभी जाकर के हम लोग उनका क्या कर सकते हैं, केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ सपोज इस केस को हम लोग समझते हैं, सबसे पहले सैंपलिंग के बारे में बेटा आपको, क्योंकि देखो आप साइंटिफिक वे से सोचोगे, मान लेते हैं क्रिमिनल केस के बारे में हम लोग बात करते हैं, होमोजेनाइज पेस्ट का मतलब होता है बेटा कि उसको एक हम लोग जैसे कि हमारे इधर ग्राइंडर वगैरह होता है, जूस बनाते हैं, ठीक है, तो वैसे बेटा एक मशीन आती है, उसमें हम लोग बैक्टीरिया को डाल देंगे कल्चर को और उसको सिर्फ है ना मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो एंटायर जो भी केमिकल्स है वो एक जगह पेस्ट जैसे जमा हो जाएंगे, दैट्स इट। पत्ते ले लो, उसकी चटनी बना दो, बैक्टीरिया की चटनी समझ ले, ठीक है, वैसा ही, ठीक, सो इट्स अ सिंपल थिंग, डन। तो बच्चों यहाँ नोट करने वाली बात है कि अगर हम कोई भी प्लांट टिश्यू या कुछ भी लेते, अभी सपोज क्रिमिनल केस के बारे में अगर मैं बात कर रहा था, ठीक है, अब ये हेयर फॉलिकल मिला है, मर्डर हुआ है और वहां पे एक हेयर मिला है, बिल्कुल एक ही हेयर है, अब हेयर से तो कुछ पता चलने वाला है नहीं, मतलब एक हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल का मतलब तो उसका बेस होता है ना, ये जो बेस होता है यहाँ पे कुछ टिश्यू होते हैं बेटा, सेल्स लगे होते हैं, यही सेल्स हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं, बट अब ये सेल्स बहुत कम क्वांटिटी में है बेटा, बहुत कम क्वांटिटी में, और इस सेल से अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना चाहता हूँ तो इससे मैं डीएनए जो आइसोलेट करूंगा वो बहुत ही बेटा मिनिमल अमाउंट में मिलेगा मुझे, पिकोग्राम्स में, बहुत कम, इतना कम डीएनए सैंपल जो है, अगर हम फोरेंसिक लैब में उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना भी चाहे, उसका यूज भी करना चाहे, तो नहीं हो पाता। तो पहले हमारा काम होता है हम सैंपल को बढ़ाते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसकी कॉपी बनाते हैं और हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन कराते हैं, जिससे इसी डीएनए के बहुत सारे क्लोन कॉपीज बन जाए, ठीक है, जो लगभग बेटा माइक्रोग्राम में बढ़ जाए, मतलब पिकोग्राम से माइक्रोग्राम इतना अमाउंट आ जाए, देन वी डू द एंटायर रिसर्च, एंटायर व्हाटएवर मे बी द स्टडी यू वांट टू डू।
यस और नो? तो एम्प्लीफिकेशन ये चीज होती है, इसीलिए हम लोग बैक्टीरियल या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पेस्ट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा सैंपल मिले, ठीक है. सो दैट इज द सिंपल थिंग. सो हमारा एम है, हमें ड्राई वेट चाहिए. बड़े प्लांट है, बड़े लीफ है, तो उसका ड्राई वेट मुझे डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट जो बैक्टीरिया है उसके लिए हम लोग वही चीज लेंगे. चलो, ये रहा. हम लोग अगर टिश्यू ले लेते हैं तो क्या होगा? सो अंडरस्टैंड कि अब देखो, इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अर्थ क्रस्ट ले लिया, आपने सॉइल ले लिया या अर्थ क्रस्ट से, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर. मतलब हम लोग क्या करें, कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं. सॉइल में कितने एलिमेंट है, ह्यूमन बींग में कितने हैं, ठीक है. ह्यूमन बींग का कोई टिश्यू ले लिया, ठीक है, उसमें कितने कौन से केमिकल है, इसको अगर हम स्टडी करते हैं, ऑब्टेन करते हैं सिमिलर लिस्ट दोनों की, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है. तो ये हमें बेटा डिफरेंसेस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है, ये डेफिनेटली हम लोगों को देखने को मिलेगा. यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट. अगर आप देखोगे, मजेदार बात यह है कि एक सॉइल का लंप और एक ह्यूमन बींग से लिया हुआ टिश्यू, इनमें मोस्ट ऑफ द जो केमिकल्स है बेटा वो एक जैसे ही होंगे, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में भी मिलते हैं, ठीक है. तो कुछ ज्यादा डिफर तो बनता नहीं है, ठीक है ना. हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार फिर ये लोग लिविंग क्यों है, हम लोग लिविंग क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे हमें हमेशा आंसर रखना है, द लिविंगनेस इट इज ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन, ठीक है. ये कोऑर्डिनेशन जो है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कंपोनेंट जो हमें याद रखना है, ठीक है. किस तरह से केमिकल्स कोऑर्डिनेट करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के कौन से लॉस फॉलो होते हैं, सेल क्या फॉलो करता है, प्राइम फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ क्या फॉलो करता है, किसे रिजेक्ट करता है. देखो, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब पढ़ोगे, आपको तो पता है ना. जैसे ही आप किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बेटा पानी को उबालने लग जाओगे, तो मॉलिक्यूल जो है डेफिनेटली बेटा रैंडमनेस उसका बढ़ता चला जाता है, एंट्रोपी विल इंक्रीज. तो क्या सेल ऐसा होने देगा, क्या सेल ऐसा होने देता है? सेल के अंदर जो पानी है 70-95% वाटर है, उसके अंदर आप उसको उबालने लगोगे तो वो तुरंत बेटा ऐसा होने देगा क्या, का अपनी एंट्रोपी बढ़ने देता है क्या? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन फर्दर क्लासेस एंड इम्प्रूव आवर मैच्योरिटी. सी यहाँ पे है ना, बेसिक लेवल पे हम लोग, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू. नो मैटर वो एक क्वांटिटी में नहीं आते, बट जो इधर है वो उधर भी है, ठीक है. सेम प्रकार के एलिमेंट दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. सो हाउएवर क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट्स इज हायर इन एनी लिविंग. अभी देखो, जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वर्ड देखते तो हमारे दिमाग में कार्बन हाइड्रोजन आएगा, आया ना क्या? बिल्कुल आएगा, यस और नो? क्योंकि देखो, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट से ही हम लोग इसकी शुरुआत कराते हैं, इनको हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो आपको दिखेगा कि सॉइल में भी कार्बन है, ह्यूमन में भी कार्बन है, एनिमल्स में भी कार्बन है, प्लांट में भी कार्बन है, बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेटली बेटा वेरी करता है. ज्यादा मिलेगा आपको कार्बन और हाइड्रोजन इन द लिविंग टिश्यूज, ठीक है. सो दैट्स इट. तो इसी चीज को बेटा अगर थोड़ा अभी देखते हैं, अगर कंपैरिजन अगर हम लोग देख रहे, तो ये आपके सामने कंपैरिजन है. Now this is the point where the KVPY asks the question. So my first question by observing this chart is, बेटा किसी भी human में कौन सा element सबसे ज्यादा amount में पाया जाएगा, which is the more abundant element in a living tissue, living organism. So आपको अगर carbon लगेगा तो फिर आप गए काम से. Oxygen. पहली बात. बहुत से होता है, सपोज ये चार्ट नहीं दिखाया तो आप जनरली क्या बोलोगे, सर कार्बन माइंड में आएगा ये. बट देखो, यहाँ सिंपली आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है, ये जो परसेंटेज है बेटा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है यार, ऑक्सीजन है, ठीक है. सो ऑक्सीजन का अमाउंट अगर आप इवन, अगर चलो मैं सॉइल में पूछ लेता हूँ, इफ आई वॉन्ट टू आस्क यू सॉइल, ये अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पे बोल दो कौन है अबंडेंट सबसे ज्यादा,
किसका अबंडेंस ज्यादा है, अगेन द सेम आंसर, दैट इज व्हाट द है ना, दैट इज द एस्टोनेशन फैक्टर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. बोलोगे यार सो सॉइल में प्लांट है तो वो रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, भाई सॉइल में भी ऑक्सीजन है मेरे भाई, ठीक है, दैट इज द सिंपल थिंग वी एक्चुअली, यस ऑब्वियसली वाटर है इसीलिए ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. नाउ सपोज इफ वी कंसिडर हियर, बट सी, बट जस्ट सेकेंड नंबर पे जाओ, सेकेंड नंबर का एलिमेंट कंपेयर करो सॉइल में और वहां पे आपको डिफरेंस नजर आएगा बहुत बड़ा, है ना. सो नाउ डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आपको सिलिकॉन दिखाई दे रहा है इन केस ऑफ फॉर द सॉइल, है ना. और देखो ह्यूमंस में, ह्यूमन की बॉडी में बेटा आपको दिखाई दे रहा है कार्बन, तो यहाँ डिफर कर गया ये, है ना. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, यू आर थ्रू, यू आर थ्रू, बिल्कुल सिंपल है. एक और चीज नोटिस करने वाली है जो मिनिमम है, बट उसको अगर हम लोग निगलेक्ट करेंगे तो फंस जाएंगे. देखो मैं जब भी ये वर्ड बोलता हूं ना, यस, ठीक है, मैं अगर ये वर्ड बोलता हूं यहाँ पे, देखो प्रोटीन्स या तो डीएनए, आरएनए, ये जब बोलता हूं ना, इनका एक बेसिक कंपोनेंट है बेटा, एक एलिमेंट है, अगर वो नहीं रहा तो बेटा ये सब लोग नहीं सर्वाइव कर, हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते. और वो है बच्चों, ये सारे ही जो है इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है. अमीनो एसिड्स हैव द अमोनिया, डीएनए एंड आरएनए हैव द नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमाइन, यूरैसिल, दीज आर, यस, यू नो. तो यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि जो बिल्कुल मार्क करना पड़ेगा हमें, नाइट्रोजन को आप थोड़ा ध्यान से देखना. नाइट्रोजन बहुत ही कम अमाउंट में सॉइल में पाया जाता है, वो भी वहां पे नाइट्रेट्स के फॉर्मेट में, नाइट्राइट के फॉर्मेट में देखने को मिलता है, NO2, NO3 इस फॉर्मेट में देखने को मिलता है. बट अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस NH2, NH3 या NH4 प्लस अमोनियम आयन के फॉर्मेट में देखने का, क्योंकि ये यूज करके बेटा ये मेन इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये बनाए जा रहे हैं. तो अगर आप देखो तो मिनिमम लग रहा है डिफरेंस, अगर देखो हाँ 3.3%, बट बेटा वो जो 3.3, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, समझ रहे हो, पक्का है ना, ठीक है. तो ये है बेटा आपका अंडरस्टैंडिंग हाउ यू सी द केमिकल्स एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट है, पक्का है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, है ना. No, sir. बहुत बढ़िया. सो दिस इज, दिस शुड बी, अभी ये क्लियर है. अभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया आपको तो आप संभाल लोगे ऐसा मुझे लग रहा है ना. तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, इसके ऊपर भी थोड़ी बात होनी चाहिए. अभी एनसीईआरटी बोलती है इसलिए हमने देखना है, नहीं तो ये सारा एक्चुअली केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है. सो वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ डज वन, ये सारे क्वेश्चन है. नाउ सी, एनालिसिस एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग कैसे करेंगे. देखो केमिकल एनालिसिस, ये बात आपको आ रही है, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा देख लो. ओके, नो क्वेश्चन. ओके, सो देखो केमिकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस. अब बेटा एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर मैं एक लीफ लेता हूँ, पत्ता तोड़ लेता हूँ, उसको जला दूंगा, तो क्या मुझे, आप सब बताना, क्या मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे क्या, एनी वन ऑफ यू, कैन आई गेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ आई बर्न इट एंड इट विल, आई विल कन्वर्ट इट इनटू द एश, टेल मी द आंसर, नो. इसका मतलब अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर चेक करना चाहता हूं तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंट मेथड, ठीक है. और अगर मैं मिनरल्स को मेजर करना चाहता हूँ, कौन कौन से मिनरल है देख लेते हैं प्लांट्स में, टिश्यू में, तो मैं उसको जला दूंगा, उसका राख बनाऊंगा और उस ऐश का एनालिसिस करूंगा, केमिकल एनालिसिस, तो मुझे इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स है, मिनरल कंपोनेंट है, उसकी स्टडी करने को मिलेगी. आपको पॉइंट समझ में आता है ये? यस सर. यस, तो अनलेस एंड अंटिल आई जस्ट है ना हैव सम डिफरेंट मेथड्स, तो मुझे ये ख्याल रखना है कि मैं उसका जब भी है ना क्रशिंग कर रहा हूँ उस टिश्यू का, तो ये ख्याल रखना है कि उसका ऑर्गेनिक कंपोनेंट बेटा बने रहे, वो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, यस और नो, दैट इज माय फर्स्ट थिंग.
टू अंडरस्टैंड। यस बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को अगर आप करना चाहते हो तो आप कौन सा केमिकल यूज करोगे, क्या करोगे, ये देख लेते हैं। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, चलो ले लेते हैं, जैसे कि एक वेजिटेबल ले लिया, पीस ऑफ लिवर ले लिया, ठीक है, एक्सेट्रा, एंड ग्राइंड इट, है ना। अब इसको क्या करना है, ग्राइंडिंग करना है इसका, मॉर्टर एंड पेसल आता है, ठीक है। तो मॉर्टर एंड पेसल जो आता है उसको हम लोग खलबत्ता बोलते हैं, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में मॉर्टर एंड पेसल बोलते हैं, बस इतना ही सिंपल है ये, ठीक है। अब ये जो मॉर्टर एंड पेसल आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप उस टिश्यू को डालो और उसका जबरदस्त ग्राइंडिंग करो, चटनी बनाओ उसकी। बट ये चटनी आप, है ना, यहाँ पे अभी तेल नहीं डालना है चटनी बनाने के लिए, यहाँ पे डालना है ये कंपोनेंट ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, यूजिंग मॉर्टर एंड पेसल, ये केमिकल देते हैं हम लोग, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस चलो, कौन सा केमिकल लेंगे भाई, अगर आप, है ना, होमोजिनाइज मिक्सचर बनाना चाहते हो टिश्यू का, ये सादा क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, ये सादा क्वेश्चन आएगा, तो आप बता दो, है ना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अभी देखो बहुत सी बातें हैं, अभी अगर हम लोग ये क्वेश्चन पे जाएंगे, जैसे कि आप अगर केवीपीवाई के लिए हो तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, व्हाई दिस केमिकल, व्हाई नॉट अदर, व्हाई ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, अब ये आपके ऊपर गया क्वेश्चन, है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना, है ना। देखो ये वीक एसिड है, ये आपका हिंट है, क्या बेटा ये, दिस अ वीक एसिड, क्या बेटा ये बोलो, वीक एसिड, दिस इज अ हिंट फॉर यू, बराबर। इससे क्या होगा अगर वीक एसिड है, तो आप सोच भी सकते हो ना, अभी तो आपका आंसर आ भी जाएगा, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है कि वो वीक एसिड है, इसीलिए उसको हम यूज करते, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते तो जो भी, अभी मैंने उसका आंसर पहले भी दिया था कि मुझे ये ख्याल रखना है कि यार वो जो मॉलिक्यूल्स है ना वो वैसे रहने चाहिए जैसे हैं, है कि नहीं, उनको जलाना नहीं है पूरा, ठीक है, या तो उनके बेटा उनको डिग्रेड नहीं करना है, उसका ये भी है, हाइड्रेशन नहीं मिलना चाहिए, दैट इज ऑल द थिंग्स आर द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। सी दिस इज एन एक्वस सॉल्यूशन, ये पानी में हो रहा है, इसका ख्याल रखो, ठीक है। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, तो चटनी मिलेगी हमें, चटनी मिलेगी ना, क्रश किया है पूरा, ग्राइंडिंग किया है। इफ वी वेयर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन, अभी उसको करना है, क्लॉथ ले लो, चीज क्लॉथ ले लो या कॉटन का क्लॉथ ले लो, उसमें से बेटा इसको, है ना, फिल्टर करना है, जस्ट, है ना, पोर इट, वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शंस। अब ये ख्याल रखना क्या हो रहा है, दो फ्रैक्शंस मिलेंगे हमें, एक जो कि कपड़े के ऊपर जमा हो जाएगा, और जो एक है जो बेटा उस फ्लास्क में चला जाएगा, फिल्टर, फिल्टर हो जाएगा। सो वन इज कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पुल, देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो एसिड में सोल्यूबल है बेटा वही चीजें फिल्टर हो गई, क्योंकि एंड द सेकंड द रिटेंटेंट, ये क्या होता है, और द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, है ना। तो ये एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शंस मिलेंगे और एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन मिलेंगे, ध्यान रखना इसका डिफरेंस क्या होगा। नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सोल्यूबल पुल, नाउ अंडरस्टैंड दिस, कहां मिले हैं, एसिड सोल्यूबल पुल्स, कहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिटेंटेंट में हमें नहीं मिलता है, हमें रिटेंटेंट में भी मिलता है, ठीक है, वहां पे भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, बट कौन से कहाँ मिलेंगे ये अभी हमें देखना पड़ेगा। अब देखो कैसे हम लोग इसका एनालाइज करेंगे, लिविंग टिश्यू को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। पहली चीज है, ना, हमने ट्राइक्लोरिक एसिड में उसको डाला, ग्राइंडिंग इन मॉर्टर एंड पेसल किया, थिक स्लरी मटेरियल ऑब्टेंड एंड देन फिल्ट्रेड एंड किया है चीज क्लॉथ से। नाउ वी गॉट द टू कंपोनेंट, एक है एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन फिल्ट्रेट, और दूसरा है बच्चों एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिटेंटेंट। ये क्लियर है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट था सादा सा, ठीक है। नाउ वीक एसिड है बेटा, वीक एसिड है, याद रखना। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, बोलो बच्चा, कुछ पूछ रहे थे, हाँ
सर कैन यू शो द लास्ट स्लाइड अगेन ओके ओके आई हैव टू मिनिमाइज इट यस सिंपल है ना ये वही चीज है बच्चे बिफोर दिस ओके बिफोर दिस इज मेंशनिंग दिस ओनली ये जो है ना ये स्लाइड है ना ओके डन एक सेकंड में ओके नाउ अंडरस्टैंड दिस कि बेटा हमें क्या ढूंढना है पता है हमें ये पता लगाना है कि यार कौन कौन से कंपोनेंट लिविंग टिश्यू के एसिड सोल्यूबल है और कौन कौन से हैं जो एसिड सोल्यूबल नहीं है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अब इसको मैं ध्यान से समझा देता हूँ बेटा जो भी एसिड सोल्यूबल है वो डिग्रेड हो गए है ना वो मोनोमर बन गए मोनोमर बने मतलब क्या बेटा सपोज एक कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसैकेराइड है वो टूट गया और उसके बन गए मोनोसैकेराइड छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने तभी तो बेटा वो फिल्टर हो गए बराबर है कि नहीं है समझ में आती है बात यस और नो है ना तो जो भी मॉलिक्यूल बेटा जो भी मोनोमर से ना इसको मैं सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं जो मोनोमर बने जो यूनिट में कन्वर्ट हो गए वो फिल्टर में चले गए वहां पे आपको हर चीज देखने को मिलेगी मैक्सिमम बट बेटा जो टूटे नहीं जो पॉलीमर होते हैं वो कहां पे रह गए बेटा ऑन दैट क्लॉथ यस और नो सर सब क्लॉथ में इनसोल्यूबल वाले रहेंगे ना बिल्कुल इनसोल्यूबल जो टूटे नहीं जो इनसोल्यूबल है बड़े मॉलिक्यूल है डेफिनेटली वे दे विल बी ऑन दैट रिटेंटेड ठीक है जो रिटेन हो गए चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट हमें मतलब ये जो फिल्ट्रेशन हुआ छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी बोलना इतना सही नहीं है द फ्रैक्शन ऑफ द सेल कंपोनेंट व्हिच आर सोल्यूबल इन एसिड है ना उसको हम लोगों ने फिल्ट्रेट कहा सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन द एसिड सोल्यूबल पुल कौन कौन से है बेटा व्हाट इज एसिड इनसोल्यूबल है ना द फ्रैक्शन ऑफ द सेल कंपोनेंट व्हिच आर इनसोल्यूबल इन एसिड वो रिटेंटेंट में चले गए वही बात हो रही है ठीक है acid insoluble fraction have only four types of the organic compounds now understand this proteins nucleic acids carbohydrates and lipids ye kahan pe hai bachcho ye acid soluble mein nahi hai acid insoluble fraction jo hai usme hai protein because it is a polymer nucleic acid is a polymer carbohydrates are polymer lipids are करेक्ट है क्या ठीक है नाउ मैंने जैसे बताया इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट व्हाट एवर मे बी द थिंग लिविंग टिश्यू सैंपल आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड अब आप ऑर्गेनिक कंपोनेंट को देखोगे इट विल सफिस टू से हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट्स द कंपाउंड देन सब्जेक्ट टू एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स फिल वन हैज टू एंड टिल वन हैज टू सेपरेट कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स देखो यहाँ पे ये जो एंटायर स्टेटमेंट है हमें ये समझना है कि मुझे क्लॉथ के ऊपर बेटा जो भी चीजें मिली है वो है मैक्रोमोलेक्यूल वो क्या है बेटा मैक्रोमोलेक्यूल वो क्या है बेटा वो है पॉलीमर ठीक है अब मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ आपने पढ़ा ठीक है एक बार बेटा मुझे बता दो कि चीज क्लॉथ के ऊपर जो रिटेंटेंट था उसमें आपको कौन कौन से कंपाउंड आपने देखे वन इज प्रोटीन वन इज लार्ज पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स वो है एंड देन एंड न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए एंड लिपिड अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ है ना आपको क्वेश्चन पूछा गया उनको हम लोगों ने पॉलीमर्स कहा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कहा क्वेश्चन ये आया Which of the following is a micromolecule? Micro मतलब छोटा होता है ठीक है और which of the following is not a macromolecule? ऐसा क्वेश्चन आया और आपको चार ऑप्शन दिए गए एक है प्रोटीन एक है कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसेकेराइड्स एक है बेटा न्यूक्लिक एसिड्स और एक है लिपिड ठीक है तब आंसर देना बेटा लिपिड क्या दोगे आंसर
अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, कैन एनी वन एक्सप्लेन? देखो अभी ये तो आपका एग्जामिनेशन में बैठे हो, मैंने ये कहा कि जो चीज क्लॉथ पे मिले हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पॉसिबल क्वेश्चन है। मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि चीज क्लॉथ के ऊपर जो जो चीजें उसको पॉलीमराइज फॉर्मेट में होते हैं। बेटा आपको पता भी है लिपिड कभी पॉलीमर नहीं होता? कितने लोगों को पता है लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर? अरे ट्राइग्लिसराइड है यार, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन। हाँ बोलो, अदिति कुछ बोलना चाहती है, पीयूष बोलो, पहले अदिति बोलो यार क्या बोलना चाहती है। हाँ नहीं सर, आपने बोला ना पता है कि नहीं पता है, इसीलिए आवाज बहुत ही कम है। तो बताओ ना, मतलब देखो मैं ये बहुत सिंपल ये बताना चाहता हूँ, है ना? पीयूष का भी यही था। ओके पीयूष, आई गॉट इट। ओके तो बेटा यहाँ थोड़ा ध्यान से देख लो कि मुद्दा ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी ये बनता है ना, यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ में इस्टर बॉन्ड बना फैटी एसिड का, यहाँ पे फैटी एसिड बना, यहाँ बस ये होता है बेटा एक सिंपल लिपिड मॉलिक्यूल। इट इज नॉट ए पॉलीमर, इट कैन नॉट बी क्वालिफाइड एज ए पॉलीमर। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन जो होते हैं है ना, मिलियंस ऑफ अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, मिलियंस ऑफ बेटा सिंपल शुगर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो बेटा मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो दीज आर वेरी ह्यूज लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, सो दे आर पॉलीमर्स, लिपिड इज नॉट। क्लियर है सबको? क्लियर है? ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, मतलब इट इज, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट इज अप टू द 800 डाल्टन। डाल्टन इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग द मॉलिक्यूलर वेट। और इनके बेटा They are more than 1000, है ना? More than 1000 मतलब कहीं आसपास भी नहीं है 1000 का। They are huge, बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, they are huge polymers. Yes or no? So, why they are on the then cheesecloth? Question तो ये है, अगर वो polymer नहीं है, बड़ा molecule नहीं है, तो why they are on the cheesecloth? Why they are on the retentant? Why they are not in the filtrate? This is the question. बताओ तो। सोल्यूबल नहीं है ऐसे। सोल्यूबल नहीं है, अरे हम लोग को तो पता है ना कि दे विल फॉर्म द मिशेल, यू नो द मिशेल स्ट्रक्चर, यस और नो? ये जो लिपिड्स होते हैं डेफिनेटली बेटा ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, वेसिकल्स बना लेते हैं खुद के। ओह माय गॉड, तो कचरा हो गया यहाँ पे। ओके तो डेफिनेटली बेटा दे फॉर्म दिस टाइप ऑफ द वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स लिपिड्स, ठीक है, क्योंकि इनमें बेटा हाइड्रोफोबिक जो नेचर होता है उसकी वजह से बेटा ऐसे सर्कल्स बना लेते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेते हैं। अब ये वेसिकल्स बनते हैं ना, डेफिनेटली इट बिकम्स इनसोल्युबल, है ना? क्वेश्चन ये नहीं है, तो हमने बोल दिया कि वो इनसोल्युबल है, क्वेश्चन यही है कि वाई दे आर, यस और नो? ऑल्दो दे आर वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बट है ना जो छोटे मॉलिक्यूल्स है near about 800 Dalton, इतना उनका molecular weight है, but still they are in that retentant, not in the filtrate. Now are you sure? Question समझ में आया? Question बड़ा ही simple है ना मेरे बच्चों। क्या question है रे? कि चार में से जो नाम बोलते हैं ना हम लोग बड़े बड़े molecules के, तो उसमें lipid is not actually a, है ना, standard macromolecule, it's not a macromolecule, it's a side, है ना, ये micro में आता है, छोटे मॉलिक्यूल्स में आएगा पक्का, ठीक है? तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। ओके आगे बढ़ाते हैं कहानी को। सो व्हाट इज एक्सट्रैक्शन? एक्सट्रैक्शन इज अ वेरी कॉमन लेबोरेटरी प्रोसीजर यूज्ड व्हेन आइसोलेटिंग और प्यूरिफाइंग अ कंपाउंड फ्रॉम अ मैट्रिक्स। आप कोई भी मैट्रिक्स कंपोनेंट ले लो, उससे अगर आप कोई चीज आइसोलेट करना चाहते हो उसे हम लोग एक्सट्रैक्शन, ये बहुत सारी चीजें हैं। सेपरेशन टेक्निक इज अ मास transfer phenomena that converts a mixture of substances into two or more distinct product, okay, which may be referred to as a fractions. So definitely beta aap log hai na distillation process karte ho ya to hum log bachcho chromatography karate hain, theek hai, to hum log separation karate hain molecules ka in the fractions, fractions banate hain, theek hai,
सो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे कि ये जो अरेंजमेंट आपके सामने है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो यहाँ जो नीचे चीज दी गई बेटा है ना, सोल्यूट्स इन ऑर्गेनिक फेज एंड सोल्यूट इन द एक्वियस फेज, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम लोग लेंगे दो प्रकार के सोल्यूशन एक ही इसमें, तो सम प्रोडक्ट सम कंपोनेंट्स आर सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड सम आर सोल्यूबल इन द वॉटर, ऑब्वियसली दे विल गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी, यस और नो। यही चीज बेटा, यही फ्रैक्शन वाला कार्यक्रम हमने यहाँ पे किया है ना, चीज क्लॉथ के ऊपर और फिल्ट्रेट में, रिटेंटेंट एंड फिल्ट्रेट, सेम थिंग वी हैव डन, यस, ठीक है। सो सेपरेशन टेक्निक हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंपाउंड फ्रॉम अदर्स, तो ऑब्वियसली बेटा हम लोग चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज, ये साधारण बातें हैं, फिर भी अगर आपको लगती है तो आप बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है। सो एनालिटिकल टेक्निक डील्स विद द मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल कंपोजिशन और द स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल्स, यस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोमेटोग्राफी जो भी मैंने लिखा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने एक लीफ लिया, ठीक है, आपने लीफ को आइसोलेट किया। अभी लीफ में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैरोटीनॉइड्स, मतलब कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस ऑल आर द केमिकल कंपोनेंट्स, ये जितने भी होते हैं ना, इनका सबका मॉलिक्यूलर वेट डिफर करता है, इनका सबका मॉलिक्यूलर वेट डिफर करता है, बड़ा सब लोग ध्यान से देखना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लेते बेटा यहाँ पे इनका सबका सॉल्यूशन मैंने बनाया, ये सब एक जगह पे मैंने यहाँ पे डॉट डाल दिया इनको सबको, और ये पेपर है, ये पेपर कैसा है, इसको अगर है ना, अगर हम डुबो देते हैं इन एन ऑर्गेनिक, ये सारे मॉलिक्यूल है ना, वन बाय वन, दिस ऑल केमिकल्स आर सोल्यूबल इन एसीटोन, ठीक है, नॉट सोल्यूबल इन वॉटर। हमने क्या किया, ये पेपर लिया है, इस पेपर के ऊपर हम लोगों ने ये जितना भी है ना लीफ से एक्सट्रैक्ट किया सारे पिगमेंट, और उसका एक सोल्यूशन बना और यहाँ पे उसका ड्रॉप डाल दिया। अब इस ड्रॉप में ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है सेल्स प्रेजेंट है। नाउ व्हाट हैपेंस, हम इस पेपर को इस साइड बेटा वो केमिकल में डुबो देंगे, तो आपको तो पता है बेटा है ना, दी एसीटोन विल मूव इस तरह से बेटा, चलता चला जाएगा, ये एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। सो दिस लिक्विड दिस एसीटोन विल मूव फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, बट यू नो कि ये जितने भी पिगमेंट है सारे बेटा सोल्यूबल है इन दैट एसीटोन, तो व्हाट विल हैपन, दे विल आल्सो मूव, बट द पॉइंट इज, सबसे बढ़िया मजेदार बात देखो कि देखो जो भी मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, जैसे अभी क्लोरोफिल बी है, इसका मॉलिक्यूलर सबसे ज्यादा है, तो वो यहां तक ही जाएगा, बस रुक गया, वो ज्यादा जाएगा नहीं, ठीक है। देन बेटा क्लोरोफिल ए जाएगा, एंड देन बेटा इस तरह से वो आगे कैरोटीन सबसे दूर तक जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे हल्का मॉलिक्यूल है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जिसका बेटा मॉलिक्यूलर वेट, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो है ना जल्दी रुक जाएगा। ऑन दैट बेसिस अगर मैंने देखा तो मैंने सारे जितने भी ये केमिकल है सबके फ्रैक्शन बना दिए, सबको बेटा अलग अलग कर दिया, यस और नो, क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, नो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, बराबर, ये बात रखो, ऑल आर सोल्यूबल इन एसीटोन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, यस और नो। सो दैट वाज अनदर वे, दिस इज अनदर वे, यस और नो। एक बार मैंने निकाल लिया, हाँ ये सारे एसिड सोल्यूबल है, फिर बाद में मैं उसका क्रोमेटोग्राफी करा करके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करा दूंगा, तो वन फ्रैक्शनेशन, अदर फ्रैक्शनेशन, अलग अलग क्राइटेरिया यूज करते करते बेटा मैं केमिकल्स के फ्रैक्शन बनाते चला जाता हूँ। कैन यू गेट इट और नॉट? अरे बेटा फिल्ट्रेट में बहुत सारे केमिकल है ना, ये सारे फिल्ट्रेट में जितने भी केमिकल है ऑल आर सोल्यूबल इन वॉटर, यस और नो। अब उनको मैं सेपरेट कैसे करूंगा बाद में, या तो मैं डिस्टिलेशन करूंगा, या तो बेटा क्रोमेटोग्राफी करूंगा, दिस वे आई कैन डू, यस और नो।
so better way understand this clear or ठीक है you can say if you not getting you can say me sir repeat the thing now see spectroscopy क्या होता है रे कौन बता सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है कैन आई डिफरेंशिएट द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट दे एब्जॉर्ब एंड द लाइट दे ट्रांसमिट एंड लाइट दे रिफ्लेक्ट यस है ना मैं ऑन द बेसिस बेटा कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या है ना लाइट को एब्जॉर्ब करता है किसे रिफ्लेक्ट करता है उसको मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से समझ सकता हूँ है ना अगर हम लोग देखें तो स्पेक्ट्रम का तो मतलब आप जानते हो है ना सो एवरी मॉलिक्यूल हैव इट्स ओन ऑप्टिकल एक्टिविटी यस और नो ऑन दैट बेसिस आल्सो वी कैन स्टडी देम यस ये देखो ये होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ठीक है अब डेफिनेटली बेटा इसमें हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं ठीक है सो हम लोग ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमें भटका देगा So analytical technique when applied to the compound gives the idea of molecular formula, probable structures of the compound. देखो, पढ़ाओ बहुत सिंपल है बच्चा मैंने अगर क्लोरोफिल ए को निकाला क्लोरोफिल बी को हटाया इन दोनों के केमिकल फॉर्मूलाज अलग अलग है और both of them have a different molecular formulas. ठीक है मुझे इतना तक पता है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होते हैं क्लोरोफिल ए जो होता है डेफिनेटली बेटा इसका जो सेकेंड रिंग होता है प्रोफाइलेटिक इसके ऊपर CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसका प्रोफाइलेटिक सेकेंड रिंग होता है उसके ऊपर CHO प्रेजेंट होता है बाकी ये दोनों ही सेम है बाकी इनका दोनों का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर है मतलब क्या डिफरेंस आया ओनली H2O का डिफरेंस है देखा आपको समझ में आया H2O का डिफरेंस है H2O का डिफरेंस है कि नहीं है यहाँ पे बेटा दो H2 है एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है यहाँ का H2 निकाल दिया हम लोगों ने यहाँ ऑक्सीजन ऐड कर दिया है सो दैट इज व्हाट द पॉइंट एक का जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा मिथिल ग्रुप है ऑन द सेकंड कार्बन रिंग एंड ऑन द सेकंड कार्बन रिंग क्लोरोफिल बी हैव दैट व्हाट वी कैन से द अल्डिहाइड ग्रुप CHO अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अब ये मैंने कैसे किया ये मैंने इनके स्टडी किया इनको पहले सेपरेट किया क्रोमेटोग्राफी की फिर इनमें से लाइट पास कराया देखा तो क्लोरोफिल ए जो है वो अलग ही कलर दिखा रहा है क्लोरोफिल बी अलग कलर दिखा रहा है और फिर इनको बेटा फिर से और केमिकल एनालिसिस कर करके फ्रैक्शनेशन कर करके इसके हर एक केमिकल कंपोनेंट्स को हम लोग इतने डेप्थ तक चले गए हैं तो उनके प्रोबेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हमने बना लिए सर नो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ ली So this level we have to achieve when we study the chemicals. You know, मतलब आप एक टिश्यू तोड़ के लाना बहुत सिंपल बात है पर आगे जो होगा that है ना वो बहुत ही खर्चा वाला कार्यक्रम है It needs skill. Yes or no? अच्छा मैं इसको अलग ढंग से बताता हूँ जैसे कि आप कोविड के बारे में सुन रहे हो है ना रोज वेरिएशन आया है बीटा वेरिएंट आया है डेल्टा आया है अभी तो डेल्टा प्लस आया है क्या डिफरेंस है इनमें एक सिंपल मॉलिक्यूल एक सिंपल लिविंग एंटिटी ठीक है जिसमें सिर्फ अंदर आरएनए है और ऊपर प्रोटीन का कोटिंग है बाकी कुछ नहीं है इट हैज ओनली आरएनए एंड प्रोटीन्स ठीक है तो अगर बेटा इसमें इतना ही है इतनी ही चीजें अगर एग्जिस्ट करती हैं थोड़ा बहुत बाकी भी चीजें हैं बट मेन कंटेंट तो यही है तो हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि यार ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है तो जो ऊपर के प्रोटीन नॉब होते हैं उनमें बेटा अमीनो एसिड सीक्वेंसेस बदल जाते हैं इतना चेंज इतनी माइन्यूट स्टडी हम लोग कर सकते हैं इतने एडवांस हम लोग हो चुके हैं यस ओके तो पहले तो बेसिक समझ लेते हैं सो कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स तो ये आया डेफिनेशन क्या है बेटा कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलेक्यूल्स तो बायोमोलेक्यूल हम किसे कहते हैं कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग टिश्यू जिसमें कार्बन होना ही चाहिए अब आप बोलोगे सर ये बायोमोलेक्यूल है क्या कौन बताएगा ये बायोमोलेक्यूल है क्या यस
है ना, या तो ये बायो मॉलिक्यूल है क्या, इज दिस अ बायो मॉलिक्यूल? द आंसर इज नो, नो सर, मिनरल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये बायो मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पे हमेशा याद रखना है कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन कंपाउंड सी एच, सी एच ओ, सी एच ओ एन, सी एच ओ एन पी, व्हाटएवर, ठीक है, मतलब यहां एक बात आनी चाहिए हाइड्रोजन, आपको दिख रहा है ऑलवेज हाइड्रोकार्बन ये कंपाउंड होते हैं, कैसे कंपाउंड होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। बट आपने जैसे कि अभी देखा था सॉइल के साथ जब कंपेयर कर रहा था मैं, तो आपने देखा कि कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, यस और नो, आर यू क्लियर, है ना, तो इसीलिए हम लोग ऐसे बोल देते कि कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड एज बायोमोलेक्यूल। तो जो बेटा कार्बन कंपाउंड लिविंग टिश्यू से मिलते हैं, टिश्यू से, उसमें हाइड्रोजन भी होता है ना, जब उसने ये बोला ना ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यू, तो बेटा हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं, क्लियर है क्या? Yes, है ना, yes, sir. बहुत बढ़िया। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, अब देखो वो ऐश वाली टेक्निक आ जाएगी, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी डेफिनेटली होते हैं, है कि नहीं? तो बेटा देख लेते हैं कैसे करेंगे एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, आप लोग कैसे करोगे लिविंग टिश्यू का। तो ये एक बढ़िया तरीका है, लिविंग टिश्यू ले लो, लीफ और एनिमल टिश्यू, ठीक है, उसका बेटा पहले ड्राई कर लो, सुखा दो, ड्राई करोगे तो क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, वाटर कंटेंट बहुत सारा निकल जाएगा। ड्राइड लिविंग टिश्यू जो होता है उसको क्या करना है अभी, है ना, बर्न द टिश्यू एट द हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे जला दो। जैसे जलाओगे व्हाट विल रिजल्ट, कार्बन कंपाउंड्स गेट ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म CO2 एंड वाटर वेपर। ये हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी भी, सपोज ये लीफ है, इसको आप जलाओगे ना बर्न, है ना, तो इससे आपको क्या मिलेगा, सो ऑब्वियसली बेटा CO2 अगर प्रॉपर जलाते हो, पार्शियल कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और वाटर वेपर भी मिलते हैं H2O, ऑल्दो यू हैव ड्राइड इट, बेटा इंटरनल टिश्यू में वाटर कंपोनेंट है कंबाइंड फॉर्म में, वो भी रिलीज होगा, इज इट क्लियर? तो जब भी आप किसी भी टिश्यू को, ड्राइड इवन टिश्यू को जलाओगे, तो आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, वन इज द CO2 ऑक्सीडाइज्ड कंपोनेंट एंड देन अनदर वन इज द वाटर वेपर, ऑलवेज रिमेंबर नॉट ओनली CO2, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब मिलेगा बेटा हमें ऐश मटेरियल ऑब्टेंड, बराबर है, अब ये जो भी ऐश मिलता है, ash contains inorganic elements like calcium, magnesium, etc. आपको कभी देखा है, मतलब जो है ना बाबा फकीर लोग वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास ऐसी राख होती है, भस्म बोलते हैं, भस्म, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो भी जाएगा अपने दुख दर्द सुनाने, उसको बोलेंगे ये ले भस्म लगा दे, है ना, पहले इधर नीचे गले को लगाना, पानी में मिला करके पी जाना। अब क्या होता है ना, डेफिनेटली बेटा उसने वो बहुत सारे इधर उधर के पेड़ पत्ते निकाल जमा करके उसको जला करके उसका भस्म बनाया, दैट इज ऐश, दैट इज ऐश। नाउ मान लेते हैं एक पर्सन आया, उसके स्किन को है ना बड़ी तकलीफ हो रही है, स्किन चमकती नहीं है, कुछ भी कॉस्मेटिक यूज कर लिए दुनिया भर के, लॉरियल यूज कर लिया, गा सब यूज कर लिया, है ना, पूरा फ्रांस जाके आ गया, तब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बाबा के पास आया, डल है, डल स्किन है, क्यों, क्योंकि जिंक की कमी है उसमें। अब ये बाबा ने भस्म दे दिया, डेफिनेटली बेटा वो लिविंग टिश्यू से आया हो, उसमें जिंक है। अब ये एक महीना कंटिन्यूस बेटा वो बाबा के ऊपर एकदम फोटो वोटो लगा करके श्रद्धा से पानी पी रहा है, वो आपको पता है वो क्या ले रहा है, जिंक ले रहा है डेली, और उसको फायदा हो गया, स्किन चमकने लगी, है ना, बाबा हिट। One thing you have to understand ki whenever you see that, if you analyze that bhasma, that ash, it contains lot of different types of the minerals. Yes or no? ठीक है, कोई भी plant होगा उसमें definitely बेटा हमेशा कम से कम 17 different types of elements, आपको mineral elements देखने को मिलेंगे, they will present there. ठीक है, not where I'm talking about the carbon hydrogen के अलावा, ठीक है। So, जब भी बेटा ये चीज होगी, है ना, उसमें मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, ये सारे एलिमेंट उसमें होंगे। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, एक्सेट्रा आर आल्सो सीन
in the acid soluble fraction. Now this is very important. ठीक है, सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये चीजें आपको एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में देखने को मिलेगी. अब ये एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन क्या होगा, अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड दैट. कहां पे है बेटा हम लोग, वो जो पहली मेथड थी ऑर्गेनिक में. ठीक है, अगर आप मिनरल्स को निकालना चाहते हो तो नॉट ओनली द मेथड एश बर्निंग मेथड है ना, जो भी एश मिलेगा उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हमें मिनरल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट जो फ्रैक्शंस बनते हैं ना, जो सोल्यूबल फ्रैक्शन बनते हैं, उसमें भी बेटा आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, सल्फेट्स देखने को मिलेंगे, फॉस्फेट्स देखने को मिलेंगे. सो एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा, है ना. हम लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेगी, कौन कौन से एलिमेंट है, चाहे ऑर्गेनिक का करो चाहे इनऑर्गेनिक का करो आपको, है ना. While analysis of compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in living tissue, हमें दोनों चीजें देखने को मिलेगी in any living tissue. अब बेटा आप है ना, बहुत सारे लोग बायोलॉजी वाला है ना बैकग्राउंड है ना नहीं है आपका, बट अगर आप इसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे क्या होगा, वन कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स सच एज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब चीज हम ढूंढते हैं. बट ठीक है, बट अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो वी शैल क्लासिफाई देम इनटू अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड, ऐसे हम लोग देखेंगे. मतलब ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, उसके फंक्शनल अप्रोच की तरफ जाएंगे कि इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फायदा है भाई, ये चीज देखेंगे. यस और नो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से कि एटमोस्फियर में नाइट्रोजन है, ठीक है, बट बेटा ये नाइट्रोजन जब भी आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में देखोगे तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द NH3 और NH2. दिस इज व्हाट द यस और नो. ठीक है, अब इसको आप देखोगे, हाँ चलो इसमें तीन ट्रिपल बॉन्ड है, लोन पेयर है, ये है वो है, तो ये केमिस्ट्री वाला व्यू हो गया. यहाँ हम लोग देखेंगे अच्छा अमोनिया बना, अब ये अमोनिया किसके साथ कंबाइन होगा, चलो CO2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, ओ इसका अमीनो एसिड बनेगा, लो ये जो व्यू है ना, और इसका यूज होगा प्रोटीन बनाने में और फिर प्रोटीन फंक्शन करेगा, ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, तो हम उसके अप्लीकेशन के बारे में सोच रहे हैं यार, केमिकल के वो कैसे काम कर रहा है, कैसे लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ये चीज हम बायोलॉजी में देखते हैं ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा केमिकल मतलब फॉर्मूला लेवल पे. इसीलिए है ना हमारी CBSE ने जब ये NCERT का सिलेबस बनाया है तो बेटा ये बायोमोलिकुलर चैप्टर दोनों तरफ दिया है ना 12th स्टैंडर्ड में बेटा चैप्टर है ना केमिस्ट्री में बायोमोलिकुल्स, बिल्कुल है. ठीक है, और बेटा 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में दिया है. सो दोनों का अपना अपना व्यू पढ़ लो, ऐसा उनका मानना है. तो बेटा अब हमें डेफिनेटली फोकस करना है इनके ऊपर, मतलब जो बेसिक यूनिट्स होते हैं उनके ऊपर. तो सबको पता होना चाहिए कि अगर हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ दी अमीनो एसिड. अमीनो एसिड मोनोमर है जो एसिड फ्रैक्शन में मिलेंगे, है ना, और ये प्रोटीन्स पॉलीमर है जो इनसोल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे. करेक्ट है, यस. ठीक है, इनका मॉलिकुलर वेट ऑलवेज मोर देन 1000 डाल्टन होगा और इनका बहुत कम 40-40 कम. ठीक है, लेट्स जितना भी उसका मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फार्मूला आप ले लो वैसा होगा. देन इफ आई गो फॉर द कार्बोहाइड्रेट जिनको हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं, सो डेफिनेटली दे आर मेड अप ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द सिंपल ग्लूकोज नहीं. ठीक है, इनको हम लोग कहेंगे बेटा सिंपल शुगर. तो ग्लूकोज इज नॉट द यूनिट, सिंपल शुगर इज द यूनिट, याद रखना. क्योंकि शुगर बहुत सारे प्रकार के हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रेबिनोज, ठीक है, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स यू विल सी. ठीक है, सो सिंपल शुगर आर द एक्चुअली यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, पक्का है. देन व्हेन आई सी द न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA और RNA, तो इनके यूनिट होते बेटा न्यूक्लियोटाइड, दे आर मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड. ओके,
तो बेटा जैसे हम लोग देखे कि यहाँ देख ले, यहाँ चट्टी के ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ठीक है, अगर यहाँ देखा तो हाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड है या क्या है, ये सब हम लोग देखते हैं। फिर भी हम लोग बायोलॉजी लेवल पे भी बहुत सारी चीजों को बेटा कवर करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो ये अमीनो एसिड है, जब भी आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखोगे क्या दिख रहा है आपको, क्या कॉमन चीज दिखने को मिलती है, व्हाट यू सी द कॉमन इन अमीनो एसिड? पहली बात है कि ये एसिड है, ये कॉमन है ना, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्यों शो करेगा, बिकॉज इट हैज दिस COOH ऑन अदर हैंड, ये सर नो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, COO नेगेटिव, क्योंकि H प्लस घूम रहा है इधर उधर, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगेन ये अमीनो क्यों है, क्योंकि इसमें हमेशा बेटा एक साइड में ये NH2 ग्रुप है आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आप हमेशा किसी भी अमीनो एसिड को देखोगे, है ना। अभी बेटा हम लोग रियल पॉइंट पे आ रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट अभी मॉलिक्यूल्स को समझेंगे। हाँ तो देखो, अगर मैं जब भी अमीनो एसिड को देखता हूँ तो किसी भी अमीनो एसिड को एक एन टर्मिनस होता है, एक सी टर्मिनस होता है, इज इट क्लियर? यस यस एवरीवन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो भी हमें देखने को मिलते हैं उनका डिफरेंस कहाँ पे होगा, दिस आर वन आर टू, दिस है ना, ये जो हाइड्रोकार्बन उसके साथ में अटैच होते हैं यहाँ पे बच्चों अमीनो एसिड डिफर करते हैं। तो हम लोग जितने भी 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स बायोलॉजिकल प्रोटीन्स में देखने को मिलते हैं उनके बारे में देख पढ़ेंगे। आपको ये बात याद रखनी है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, दे आर मोर देन 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कितने, मोर देन 300 टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे हैं, ठीक है, बस उसमें से ओनली 20 आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ओनली 20 आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जब भी हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं ना तो सिर्फ हम लोग 20 अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं, बट बेटा उतने ही अमीनो एसिड नहीं है, बहुत सारे हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट। सो लेट्स मूव अहेड, सो अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट जो है अगर हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो बेटा हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, बहुत अच्छे से नोट करना है ना, फिर से एक क्वेश्चन वाला कार्यक्रम आ चुका है, ठीक है, ये है, ये एलिमेंट्स है बेटा डेफिनेटली बेटा पाए जाते हैं लिविंग टिश्यू में बहुत ज्यादा अमाउंट में। आपको चीज नोटिस करनी है, देखो ये जो है सल्फेट्स है, फॉस्फेट्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है, NaCl, NaCl देखो बिल्कुल डेफिनेटली है ना, ये सारे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, वाटर इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखो डायकैटायन है, ये देखो ये मोनो है ना, कैटायन्स आपको दिखाई देते हैं, इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। देखो शायद आपको उस दिन मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाला क्वेश्चन लिया था ना हम लोगों ने, नर्व कंडीशन का पढ़ा था कि नहीं, कौन से एलिमेंट के बारे में बात, सोडियम और पोटेशियम, अगर इनके बिना नर्व कंडक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है, सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। देखो ये जो कुछ भी दिए बता रहे हैं ना, देखो इनके अलावा बहुत सारा डेटा है, बट जो एनसीईआरटी में है उतना ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नाउ चलो नंबर वन क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, केमिकल एनालिसिस, सिंपल, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नाउ ऐसे सिंपल क्वेश्चन वन मार्क के लिए पूछे जाएंगे, पूछ भी नहीं है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट इन ऐश इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, क्या आंसर होगा, मैग्नीशियम, यस, ठीक है, नेक्स्ट वन। उसके बाद Which of the following element abundance is more in any living organism than in earth crust? Carbon, hydrogen, sodium, magnesium. उसने ये नहीं पूछा कि abundant कौन है, question को थोड़ा extend किया, क्या किया है, Which of the following element
abundance is more in any living organism than the earth crust. कार्बन क्योंकि देखो than the earth crust बोला है मतलब earth crust में भी oxygen है, तो oxygen oxygen answer नहीं आएगा. Definitely answer will be है ना both A and B. कार्बन नहीं यहाँ पे देखो obviously क्योंकि चार में से एक चुनना है तो आप कार्बन ही चुनोगे. No problem at all. ठीक है बिल्कुल सही है. बट बेटा डेफिनेटली अगर आप हाइड्रोजन को भी सही से कंपैरिजन करते हो तो हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, मैंने बोला ना जब भी आप लिविंग एंटिटी लेते हो तो कार्बन के साथ में कार्बन कंपाउंड जब भी बोलोगे तो हाइड्रोजन आएगा. ठीक है सो हमें आंसर तो ए ही देना है. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है ठीक है तो ऑब्वियस यस और नो है ना. तो जो हमारा ये आंसर होगा डेफिनेटली अबंडेंस में कौन मिलेगा. आंसर इज दिस ए एंड पक्का बढ़िया है. देखो क्वेश्चन को एक्सटेंड किया मैंने बोला ना ये क्वेश्चन एक्सटेंड हुआ है. अब जैसे ही क्वेश्चन एक्सटेंड हुआ तो यहाँ पे समझ लेना है कि कौन कौन अबंडेंस में है. पक्का ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. ये लास्ट बिल्कुल स्टेटमेंट एलिमेंटल एनालिसिस है ना. यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं है ना. तो डेफिनेटली बेटा टेक्निक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ऑल डेफिनेटली दिस इज एनालिटिकल टेक्निक्स. सो केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ब्लैंक केमिकल्स. बताओ कौन सा केमिकल है आपको पता हो गया. यू नो ट्राइक्लोरोसिलिक एसिड ऑब्वियसली है ना. सिंपल है ओके. सो हम लोग बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी. और मैं थोड़ा सा एक मिनट देना मुझे. हाँ ओके. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इन बिटवीन मीनवाइल. है ओके. सो ये कर रहे हैं हम लोग शेयर. Yes, we'll study the amino acids. Okay, तो amino acids जब पढ़ेंगे तो हमें definitely बेटा देखने को मिलेगा. अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल basic analysis था. तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे basic monomers के बारे में. Monomers के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग polymers के बारे में पढ़ेंगे. तो monomers कौन कौन से है मेरे प्यारे बच्चों. अमीनो एसिड अभी लिखा था, फिर उसके बाद में सिंपल शुगर्स है ना, न्यूक्लियोटाइड्स है, और इवन फैटी एसिड्स के बारे में भी. तो ये है मोनोमर्स. तो विल स्टडी अबाउट द मोनोमर्स फर्स्ट एंड देन विल मूव टुवर्ड द पॉलीमर्स. करेक्ट है. तो आपको प्लान समझ में आ गया सबको. यस सर. ठीक है चलो. तो सबसे पहले बेटा बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. देखो व्हाट आर अमीनो एसिड्स. तो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज ए as substituents on the same carbon. अभी देखो यहाँ जो आता है ना अल्फा कार्बन क्या चीज है हमें समझनी पड़ेगी. इसलिए हमें समझना पड़ेगा असिमेट्रिक वर्ड, असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है. जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये है कार्बन. इस कार्बन के ऊपर मान लेते बेटा यहाँ पे कुछ तो ग्रुप लिख दिया CH3,
यहाँ पे है बच्चों H, यहाँ पे है COOH और यहाँ है NH2। क्या आपको ये नहीं लग रहा, ये जो सेंट्रल कार्बन है इसकी चारों वैलेंसीज में जो भी कंपाउंड है वो डिफरेंट है। Yes. सब लोग देख रहे हैं। हाँ सर। है ना, तो डेफिनेटली बेटा ये जो कार्बन मुझे दिखाई दे रहा है ये, है ना, ये असिमेट्रिकल है, करेक्ट है। इसीलिए ऐसे कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन पोजिशन कह रहे हैं, ठीक है। अब ये है अल्फा कार्बन, अगेन अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप। ये है अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। देख लो यहाँ पे, देख लो हमको दिखाई दे रहा है, करेक्ट है, एक ही कार्बन के ऊपर है, इसी कार्बन के ऊपर है ना, इसी कार्बन के ऊपर है। इसकी एक वैलेंसी अमोनिया ने सेटिस्फाई की, दूसरे वैलेंसी ने बेटा कार्बोनिक एसिड ने कराई है, बराबर। यस सर। हाँ, तो ये है अल्फा कार्बन, इज इट क्लियर, उसी को हम लोग बोल रहे हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। सो इट्स एन असिमेट्रिक, चारों वैलेंसीज अलग अलग मॉलिक्यूल। तो ये तो ज्यादा थोड़ा केमिस्ट्री हो जाता है, थोड़ा माफ करना मेरे को, है ना। ओके, सो नाउ दिस इज अमीनो ग्रुप, एक साइड में है, आप देख पा रहे होंगे ये सेंट्रल कार्बन आपके सामने है। यहाँ आर ग्रुप है जो CH3 लिखा था, यहाँ एच है, ये डेफिनेटली बेटा आपके सामने है COOH और ये NH2, ठीक है। ऑब्वियसली ये N टर्मिनल है और ये बेटा C टर्मिनल है, और हर अमाइनो एसिड के लिए ये होता ही है, पक्का। इतना तो आसान है, इजी है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको अभी तक पता हो गया, अभी तीसरी चौथी बार दिखाया मैंने एक ही चीज, यस और नो, है ना। सेंट्रल कार्बन को कौन सा कार्बन कह रहे हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल है। चलो अब अच्छा, मजेदार बात क्या है, अगर सपोज मैं बोलू कि ये वाला जो है इसको अमाइनो एसिड बोल रहा है, तो बेटा ये बेसिक है कि एसिडिक है, ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा या एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इस क्वेश्चन का बेटा आगे हम लोग जवाब देखेंगे, इस क्वेश्चन का आगे हम लोग जवाब देखेंगे। नाम अमाइनो है तो बेसिक नेचर है, एसिड है एसिडिक नेचर है, तो एक्चुअली करता क्या है और कैसे करता है, इसके बारे में हमें डेफिनेटली बेटा क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, तो अल्फा कार्बन दिखा रहा है, एरो है, बढ़िया है, चलो। सो लेट्स अंडरस्टैंड, हेंस अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड्स, तो हम लोग इनको अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड, है ना, मीथेन्स। अब ये कितने लोगों को समझ में आएगा, मीथेन क्या होता है, CH4। अब जब भी आप उसका स्ट्रक्चर देखो तो चारों वैलेंसीज जो है हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई करके रखी हुई है, इतना इजी है ना। अब देखो मैंने एक एक को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, एक हाइड्रोजन जो है ना, इसके पहले भी स्लाइड में आपने देखा सब्स्टिट्यूटेड बाय NH2 एंड COOH ऐसा लिखा था, करेक्ट है, मतलब हाइड्रोजन और एक दूसरा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है, ये है मिथेन। There are four substituent groups occupying the four valency positions. These are hydrogen, carboxyl group, amino group and variable group. इसको हम लोग R कहते हैं, ठीक है, वो variable होता है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको बेटा देखने को मिलेगा। So one valency by NH2, one valency by COOH, one valency by a side chain, whatever may be, वो aromatic हो सकता है, aliphatic हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। The R can be anything. On that basis, there are different, ये जो R है ना, इसके basis पे ही अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट हमें जो भी पढ़ना है ये वेरिएशन से पढ़ने हैं, हमें 20 प्रकार के R ग्रुप पढ़ने हैं, यस और नो। बाकी ये चेंज होगा क्या, अमीनो ग्रुप चेंज होगा, no, sir. ये चेंज होगा नहीं, ये वैसा ही रहेगा, ये सब है उधर, किसी एक में चेंज होगा तब उसको अलग बोलेंगे, अमीनो ग्रुप बोलेंगे, अमीनो एसिड, देन वी विल टॉक अमीनो क्या है, ये तो अमीनो अभी चल रही है, ठीक है। देखो, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स, नाउ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, अमीनो एसिड्स व्हिच ऑकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ अ 21 टाइप। अभी देखो वन क्यों बोला है, एक होता है सेलेनोसिस्टिन जो कभी कभी किसी प्लांट्स में पाया जाता है, अदरवाइज दे आर ओनली 20 टाइप्स, ठीक है, वो बहुत रेयर है। कौन सा बेटा, मैं नाम बताऊंगा बाद में, जब ये सारे नाम बताऊंगा तो इसमें भी वो नाम आएगा, है ना। सो देयर आर 21 डिफरेंट टाइप्स, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। सो अब आप ये याद रखना है, सर उधर 21 लिखा है, आप 20 लिख रहे हो, ये सही नहीं है,
सो द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनियाशियस अमीनो एसिड्स कुड बी क्या हो सकते हैं. चलो अब वो आर ग्रुप एक हाइड्रोजन हो सकता है, ये सिर्फ ग्लाइसिन में होता है. ग्लाइसिन आपको पूछा जाएगा सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. मैं आप मतलब आप खुद बना भी सकते हो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना. ये देखो इधर एच, इधर एच, इधर NH2 और इधर COOH बन गया ग्लाइसिन. क्योंकि इसका आर ग्रुप क्या है बेटा, हाइड्रोजन है ना. अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, मैंने उरे मिलर वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला था ना अभी, उरे मिलर एक्सपेरिमेंट. पहला कंपोनेंट क्या बना था रे इवोल्यूशन में, लिविंग लाइफ के ओरिजिन अमीनो एसिड प्रोटीन अमीनो एसिड. अब पूछेंगे कौन सा अमीनो एसिड, तो आंसर देना ग्लाइसिन. भाई इट इज वेरी सिंपल टू मेक, आसान है ना. एक सी एच फोर डाल दो, अमोनिया डाल दो, वाटर डाल दो, बन सकता है यार, हो सकता है. तो ये बना, उसने बना के दिखाया, दैट हैपेंड. ऐसा नहीं कि ख्याली पुलाव है, इट हैपेंड. बार बार करके देखते हैं, बार बार होता है तो ही मानते हैं, एक्सपेरिमेंट में यही होता है. सो आर ग्रुप हो सकता है. अब मिथिल ग्रुप मतलब एलानिन में होगा. आप क्या करो, इसको बस बदल दो, ये वाला जो है ना इधर, ठीक है. अगर आप बेटा ये देखो, ये C है, यहाँ H लिखो, यहाँ COOH, यहाँ NH3, बस यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप लगा दो, ये बन गया एलानिन. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, है ना. नंबर ऑफ कार्बन कितने होते रे ग्लाइसिन में, हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन ग्लाइसिन, हाउ मेनी दे आर इन द एलानिन. एलानिन में कितने हैं, कार्बन बेटा तीन है, थ्री है, थ्री है. ग्लाइसिन में दो थे, बराबर में दो थे. हाँ ये देखो, ये टू कार्बन कंपाउंड, टू कार्बन अमाइनो एसिड पूछेंगे आपको, आंसर देना ग्लाइसिन, ठीक है. बहुत बढ़िया. हाइड्रोक्सिल मिथिल सी एच टू ओ एच, ये भी प्रेजेंट हो सकता है सेरिन. इसमें भी तीन ही कार्बन हो गए, बस यहाँ पे क्या करना है, सी एच टू ओ एच बोलना है. सी एच थ्री को बदल दो सी एच टू ओ एच, सो इट बिकम्स सेरिन. तो सेरिन बेटा तीन कार्बन वाला ही है, हो गया. तो इस तरह से मतलब आर ग्रुप चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे आर ग्रुप बदलेगा वैसे वैसे हम अमीनो एसिड का नाम बदल देंगे, है ना. और ऐसे 20 है, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ दी अमीनो एसिड्स है, या 21 मान लो, ठीक है. ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ना है. क्या आप सारे बच्चे यहाँ पे जितने इस क्लास में बैठे हुए हैं अभी तक बेटा ग्लाइसिन एलानिन सेरिन में कॉन्फिडेंट हो? यस और नो? बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस है ना. आपको पता है यार ग्लाइसिन में दो ही कार्बन होते हैं, क्या है ना, है ना. चेंज हो गया आपके दिमाग में, यू आर टैलेंटेड. लेट्स अंडरस्टैंड, ये ग्लाइसिन है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे है ना बदल दू तो ये हो गया बेटा एलानिन, है ना. नेक्स्ट इज दिस इज व्हाट द है ना आर ग्रुप चेंज हो गया बच्चों, ये सेरिन. सो दिस वे वी अंडरस्टैंड द देयर आर अमीनो एसिड्स, है ना. नाउ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर ड्यू टू. अब बताओ, मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया मैंने. अब आप हो गए कंफ्यूज क्योंकि उसमें दोनों ही चीजें हैं, कोई क्या करेगा. चलो देखो, अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है और आर फंक्शनल ग्रुप है. ये तीनों चीजें जो है इनकी वजह से हो सकता है. हाँ संभवी तुमने आर ग्रुप लिखा जरूर है, बट बेटा ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना. मैं बता दूंगा कैसे कैसे होगा, ठीक है. देखो अभी यहाँ पे जो आर ग्रुप है इसका भी कोई ना कोई रिएक्टिविटी होगी, इसकी भी रिएक्टिविटी होगी. मैं लिखता हूँ, आप सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, आपका बढ़िया नॉलेज है, मेरे से ज्यादा आप टैलेंटेड हो, आई नो इट. यहाँ एन एच टू लिखा बच्चों, यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे आर ग्रुप लिख दिया, यहाँ पे एच लिखा और यहाँ पे सी ओ ओ निगेटिव लिखा. क्या मतलब है रे इसका, क्या किया इसमें अमीनो एसिड ने, क्या किया बताओ. हाइड्रोजन गया किधर गया सर, है ना. Yes sir, no. अगर मैं ये लिखू यहाँ पे NH3 लिख दूंगा, यहाँ पे NH3 हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखो, ऑब्वियसली यहाँ देखो ये चेंजेस है, ये अभी हमें समझना है. आ गया मैं क्या बताने वाला हूँ, ये मैंने बताया अभी आपको, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे. लेट्स गो अहेड. हाँ बोलो. ग्रीन किया होता है तो माइनस साइन आता है ना, क्या बेटा. माइनस साइन तभी आता है जब वो गेन करता है. क्या गेन करेगा,
वही तो, क्या गेन करेगा, गेन ठीक है। नहीं। अच्छा ठीक है, होता है ऐसा। देखो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एसिड, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड अमीनो एसिड्स आर। नाउ ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना सब लोग, बहुत ध्यान से, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट, वेरी सिंपल पॉइंट। मैं अगर ये कहूं बेटा, आप बोलो, आपको मैं ये बोलता हूँ, एक अमीनो एसिड है समझ लो, उसके पास में दो NH2 ग्रुप है और एक ही COOA है, ठीक है, तो बेटा वो बेसिक होगा या एसिडिक होगा? बेसिक होगा, बेसिक होगा, बिल्कुल सही। सब लोग, एवरीवन, कोई किसी को कंफ्यूजन है? सर कुड यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन? रिपीट नहीं, सिंपल है, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ ना, वैसा ही। सपोज एक अमीनो एसिड है, उसके पास में, जैसे मैं ये लिख देता हूँ, ये देखो, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये COOH है, ये जो है ना बच्चा, यहाँ पे लिख दिया मैंने NH2, यहाँ पे लिखा CH2NH2। नाउ इस मॉलिक्यूल को आप देखोगे ना, तो इसमें एक बड़ी अजीब सी बात दिखाई देती है कि इसका जो R ग्रुप है ना, उसमें एक NH2 है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो फिर बताओ ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? बेसिक होगा। नाउ सपोज इफ आई विल राइट लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड आई विल राइट लाइक दिस डायरेक्टली, चलो बताओ, एसिडिक, एसिडिक होगा। मतलब अमीनो एसिड में, किसी भी अमीनो एसिड में नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप या नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप कितने अटैच्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि वो उसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है। एवरीवन क्लियर? यस सर। अदरवाइज वो न्यूट्रल होगा? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, क्या टैलेंट है तुम लोगों में, खतरनाक है ना। ले ग्लाइसिन न्यूट्रल है क्या? अभी देखेंगे ना, आगे सब देखेंगे, सब देखेंगे, हर एक के बारे में बात करेंगे। तो एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? एसिडिक अमीनो एसिड है जैसे कि एस्पार्टिक एसिड यहाँ पे आपके सामने है, या तो ग्लूटामिक एसिड। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, पहले कंसेप्ट समझेंगे, बाद में लिस्टिंग करेंगे, ठीक है, लिस्टिंग बाद में। देखो यहाँ पे ये एसिड है, क्यों है? क्योंकि आपको दिख रहा है बेटा, ये है उसका COOH जो कि R ग्रुप में अटैच्ड हो गया, उसका R ग्रुप में COOH है, यस और नो? ये रहा उसका N टर्मिनल, ये उसका C टर्मिनल। सेम थिंग आप ग्लूटामिक एसिड में देखो, ये देखो NH3, ये उसका टर्मिनल है, ये देखो यहाँ पे, दिख रहा है? तो अब आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि यार, है ना, एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से है। नाम बेटा अमीनो एसिड होने पर भी वो एसिडिक नहीं है, ठीक है, अगर उसके पास दो बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ही वो एसिडिक है। इज इट क्लियर? यस, एसिड ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, बिल्कुल सिंपल है ना। नेक्स्ट, बेसिक अमीनो एसिड में किसे कहूंगा, ठीक है, अभी देखो बेसिक में ये चीजें हैं, आप देख सकते हो हिस्टिडीन, ठीक है, अभी हिस्टिडीन को देखो, हिस्टिडीन में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, है ना बेटा, अमीनो एसिड को मैं दिखाऊंगा सारे एक साथ, एक बार बार दिखाऊंगा, डोंट वरी, आप पहले कांसेप्ट पे आते हैं, है ना। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन क्या है बेटा, नोटिस करो, हिस्टिडीन क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, इसका R ग्रुप तो देखो, इधर NH2 है, इधर इसका COOH है, यहाँ देखो बेटा, ये तो बेटा एकदम रिंग स्ट्रक्चर लेके आया है, दिख रहा है आपको, तो आपको दिखाई दे रहा है ये मॉलिक्यूल हिस्टिडीन, है ना। लाइसिन को देख लो, लाइसिन क्या है, ये देखो NH2 ग्रीन कलर का है ना, ये देखो आर्जिनिन, आर्जिनिन में देख लो आप, तो लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ये तीनों बेटा बेसिक अमीनो एसिड है। ये क्या है बेटा, बेसिक अमीनो एसिड है। मैं आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आपको बता दू, बचाओ ये बताओ, मेरा अपना जो डीएनए है ये एसिडिक है कि बेसिक है? हमारा डीएनए एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक। अरे डीएनए का फुल फॉर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड है। एसिडिक है कि बेसिक है? एसिड, एसिड है। हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन है। सो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स है, दे आर एसिड। नाउ बताओ, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, होता क्या है, डीएनए के साथ में जो प्रोटीन कंबाइन होते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, उसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने के लिए, उनको बोलते हैं बेटा हम लोग हिस्टोन प्रोटीन, पता है क्या बोलते हैं? यस सर, हिस्टोन, हिस्टोन। और तो और, अब मुझे बताओ,
ये जो हिस्टोन प्रोटीन होगा नॉर्मल आपका ना सादा जनरल बेटा टैलेंट लगाओ, अगर डीएनए एसिडिक है और अगर ये न्यूक्लियोसोम मतलब हिस्टोन प्रोटीन इसके डीएनए के साथ जा करके अटैच होना चाहता है तो इसमें कैसा होना चाहिए, एसिडिक या बेसिक? सर बेसिक 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 बिल्कुल सिंपल, बहुत बढ़िया। डीएनए एसिडिक होता है इसीलिए उसके साथ जुड़ने वाले प्रोटीन ज्यादा करके कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। बात क्लियर है? नाउ अगर वो बेसिक होते हैं तो उनमें कौन से अमीनो एसिड होते होंगे? बेसिक अमीनो एसिड ये वाले, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। याद रखना हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड होते हैं, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा करके होते हैं। अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। एक एप्लीकेशन बताया, सोच कहां तक जानी चाहिए आपकी, कहां तक आपने सोचना चाहिए। सो इफ द डीएनए इज एसिडिक, यही है बेटा केमिकल बायोलॉजिकल लोचा, है ना, समझना है यही पक्का? तो डेफिनेटली बेटा इट विल गो, दिस हिस्टोन विल गो एंड कंबाइन विद दैट एसिड। ओ माय गॉड, एंड व्हाई इट इज कंबाइनिंग, बिकॉज इट इज, ये खुद जो है ये खुद बेसिक है, ये प्रोटीन ही बेसिक है क्योंकि इसमें भरा पड़ा है लाइसिन और आर्जिनिन। ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या टैलेंट है तुम लोगों में। अकमल क्या चाहता है सर, कैन यू डिस्प्ले द प्रीवियस स्लाइड एज आई मिस सम पॉइंट्स। कौन सा बेटा, कहाँ पे जाना है यार, प्रीवियस स्लाइड मतलब बड़ा मुश्किल होता है यार ये। सर वो एसिड का अमीनो एसिड के नाम चाहिए थे सर। हाँ ठीक है, तो दिखा दूंगा, यही स्लाइड रिपीटली दिखाना ही है मैंने। ठीक है, तो देखो वो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, दैट्स इट, दो ही है। सर ऐसे स्पेलिंग नहीं समझता ना। बताऊंगा ना, दिखाऊंगा मैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके यहाँ देखो, अभी आते बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अभी न्यूट्रल अमीनो एसिड में आते कौन आएगा रे, अगर 20 में से 5 तो खप गए यार, दो इधर लगा दिए, दो तीन इधर लगा दिए, बचे कितने? 15। अरे हुआ तो लियो भाई, यहाँ पे देखो ग्लाइसिन कौन है, ग्लाइसिन को देख लो, न्यूट्रल है, एलानिन न्यूट्रल है, जहां पे भी बेटा इक्वल नंबर है उधर भी। मैंने यही क्वेश्चन आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि उसकी रिएक्टिविटी के बारे में क्या सोचते हो, जो अमीनो एसिड में एक तरफ COOH है और एक तरफ बेटा NH2 है, तो डेफिनेटली बेटा उसकी रिएक्टिविटी उसके R ग्रुप के ऊपर डिपेंड होगी। क्लियर है? अरे क्वेश्चन, अरे ये जितने न्यूट्रल है मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो सांभवी ने बताया था सर R ग्रुप ठीक आंसर है, बट R ग्रुप कब, जब वो न्यूट्रल होगा। आप जनरली जब अमीनो एसिड के बारे में बात करोगे तो डेफिनेटली बेटा आंसर क्या आएगा, तीनों, यस सर नो, यस ना, बहुत बढ़िया। बट बेटा ये भी चीज है, ये जो होता है ना, ये जो न्यूट्रल है ये भी अपना चेंज करते हैं एटमोस्फियर, कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो एटलीस्ट यहाँ पे अगर हम लोग इनको एक न्यूट्रल पीएच पे रखते हैं जहां पे इनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो इनका आर ग्रुप ही इनका फंक्शनल फैक्टर होगा। नाउ सी, ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही दिखा रहा है, तो बाकी किधर थे, बाकी किधर है भाई, ठीक है। तो ये है न्यूट्रल, हम लोग देखेंगे सारे ही अमीनो एसिड्स को देखेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, मैं 20 अमीनो एसिड्स को क्लियर करके एक पूरा आपको एक सीक्वेंस दिखा दूंगा, अभी तो हम कंसेप्ट पे हैं। ये जितने भी एग्जांपल आपके इन फ्रंट रखे गए हैं बच्चों, ये न्यूट्रल क्यों है यही हमारा कंसेप्ट है, हम लोग नाम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे अकमल, यहाँ पे हम लोग नाम नहीं पढ़ रहे बेटा, वाई इट इज एसिडिक, वाई इज बेसिक एंड वाई इट इज न्यूट्रल, दैट इज आवर कंसेप्ट। यस, नाम तो पूरे 20 के मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो चलो मुद्दा है ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, ये सारे बेटा क्यों है, वाई दे आर। अच्छा, इसमें से सबसे मैं अगर आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, इसको एनलार्ज करके करता हूँ यार। ओके देखो, इनमें है ना ये सब दिखाई दे रहा है, इनमें कौन ऑड लग रहा है रे आपको, ऑड कौन लग रहा है, ऑड वन आउट, अजीब सा विचित्र लग रहा है एकदम ही, मिथियोनिन ऑड लग रहा है, क्यों रे भाई, ग्लाइसिन ग्लाइसिन ऑड क्यों है, ग्लास तो सिंपल आदमी है यार वो, मिथियोनिन
प्रोलीन प्रोलीन बिल्कुल प्रोलीन बिल्कुल ऑड नहीं लग रहा आप लोगों को, देखो तो क्यों ऑड है बताओ, क्यों ऑड है सब लोग देखो तो, सर व्हाई इट इज ऑड, अजीब ही है ये उसका जो NH2 है ना वो बेटा आर ग्रुप के साथ रिंग बना के बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया यही है, इसको अमाइनो एसिड नहीं बोलते, इसको इमिनो बोलते, इमिनो आई एम एम आई आई से शुरू होता है ये, समझ रहे हो, प्रोलीन एक्चुअली है तो अमाइनो एसिड का मॉडिफिकेशन ना, इसलिए अमीनो एसिड ही है वो, ठीक है। एनी वे सो दिस इज वॉट थिंग्स, ये सारी चीजें अब आपको वो पूछ लेते हैं यार बेसिक, और जब ये पूछते हैं तो ये एक एक सबको हमें देखना है, डेफिनेटली वी विल सी देम ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम लोग अमाइनो एसिड को बेटा क्लासिफाई करते हैं। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको पूछना चाहूंगा, आप ज्यादा क्योंकि आप ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ते हो, जानते हो मेरे से ज्यादा, आप ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो कि अगर मैं बोलूँ कि कुछ जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं वो पोलर होते हैं और कुछ नॉन पोलर होते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? पोलर नेगेटिविटी ज्यादा होती है एक मॉलिक्यूल के दूसरे, क्या क्या न्यूट्रल नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो पोलर होगा सर, पोलर नॉन पोलर होगा, क्वेश्चन का आंसर दो, ज्यादा होगा तो क्या होगा, पोलर होगा, पोलर कहूंगा किसे, नॉन पोलर कहूंगा मैं, पोलर होगा, स्लाइट चार्जेस ऑन द द एलिमेंट, नहीं थोड़ा जोर से बोल बेटा, समझ में नहीं आ रहे, क्यों गया, कट गया ये कार्यक्रम ही कट गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके नो, देखो वो तो एकदम केमिस्ट्री लेवल पे चले गए, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस बढ़िया है, बट सादी भाषा में बताओ ना यार जो मुझे समझ में आए, मैं तो बायोलॉजी वाला इंसान हूं, सर इट हैज अ स्लाइट चार्ज ऑन इट्स एलिमेंट दैट कंपोज इट, ओके मतलब नॉन पोलर अमीनो एसिड क्या होता है सर, दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक चार्ज ऑन देयर एलिमेंट, ओके तो ऐसा अगर है तो सारे अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज होता है, NH3 प्लस और COO नेगेटिव, वो ऐसे इसी फॉर्मेट में रहते हैं, तो कहाँ पे चार्ज होना चाहिए, चार्ज कहाँ पे होना चाहिए बताओ, R ग्रुप के ऊपर, यस सर, हाँ, सो व्हेन एनी फंक्शनल ग्रुप दे कंटेन आर अनचार्ज्ड, मतलब अगर सपोज उनके ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है ये थोड़ा सा बेटा कहाँ चला गया, ये शेयर हो रहा है क्या आपको, दिख रहा है बेटा, नो सर, रुको रुको आ रहे आ रहे, हुआ सर, ओके ये रहा, ओके ओके चलो इसमें से नॉन पोलर एक आधा एग्जाम्पल बता दो फिर कौन है, अच्छा मैं एक एक करके पूछता हूँ, ग्लाइसिन नॉन पोलर है कि पोलर है सर, नॉन पोलर, नॉन पोलर है, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि जब भी अनचार्ज चीजें होगी विद नॉन पोलर है ना, मतलब जिसको बोलते हैं नॉन है ना, सिंपल है, नॉन पोलर साइड चेन जो कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये बात याद रखो, जब भी नॉन पोलर साइड चेन्स होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं बेटा, दे आर हाइड्रोकार्बन्स, दैट्स इट, डन है ना, क्लियर है, पोलर अमीनो एसिड क्या हो गए, कौन से एग्जाम्पल बताओगे आप लोग पोलर अमीनो एसिड्स के, इसमें कोई है जो पोलर है आपको लगता है ऐसा, प्रोलीन, प्रोलीन है, yes. यहाँ पे है ना जितने भी है, जितने भी यहाँ पे दिए गए, अब बोलो, देखो मैं आपको नाम बता सकता हूँ जैसे कि ग्लूटामेट, ग्लूटामिक है ना, देन ग्लूटामाइन, एस्पार्टेट, एस्पार्जिन, आर्जिनिन, ये सब, ठीक है, देन
हिस्टिडीन, लाइसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, ऑल ऑफ देम जितने भी है, क्योंकि अगर उनको आप एसिड बेस भी बोल रहे हो तब भी बेटा हम लोग उनको चार्ज बोलते हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द चार्ज इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है। सो ये जितने भी आपके सामने हैं, क्या ये नॉन पोलर है, मैं इतना ही पूछना चाहूंगा। जो आपके सामने चार है, क्या ये नॉन पोलर है या नहीं है? एलेनिन इज अ नॉन पोलर, ठीक है। एलेनिन नॉन पोलर होता है, ग्लाइसिन नॉन पोलर होता है, आइसोल्यूसिन नॉन पोलर है, ल्यूसिन नॉन पोलर है, मिथियोनिन नॉन पोलर है, फेनिलालानिन नॉन पोलर है, प्रोलिन भी नॉन पोलर है, ट्रिप्टोफैन इज ऑल्सो नॉन पोलर, और दो मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। इवन वैलिन भी बेटा नॉन पोलर है, ऑल ऑफ देम जो यहाँ पे है, ऑल ऑफ देम आर नॉन पोलर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी आपको चार्ज देखने को नो मिलता है, यस, है ना। सो बेस बढ़िया है, तो जो न्यूट्रल है वो नॉन पोलर है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग? यस सर। हाँ बस बस, तो यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है सर। वैलिन तो पोलर है ना? क्या बेटा? वैलिन पोलर होगा ना? वैलिन पोलर होगा, वैलिन यहाँ पे पोलर दिख रहा है, क्यों होगा, क्यों होगा बेटा पोलर? मुझे तो नहीं लग रहा कोई चार्ज हो। सर एक बुक में पढ़ा था सर, अभी ये स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं लग रहा, लेकिन मैंने पढ़ा था वैलिन पोलर है। अच्छा तो पढ़ा होगा तो बेटा वो रेफरेंस लाओ। अब जितना मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे, वैलिन तो नॉन पोलर है, जितना मुझे पता है, ठीक है। अगर है तो आप देखो, रेफरेंस बताओ, ठीक है, रेफरेंस बताओ, ऐसा नहीं कि मैं डिनाई कर दूंगा, रेफरेंस दिखाओ तो मान लेंगे, हाँ ठीक है चलो। बट यू नो मेरे पास जो रेफरेंसेस है उसके हिसाब से वैलिन क्या होगा, रेफरेंस क्या है यार, अभी तो स्ट्रक्चर से दिख रहा है, नॉर्मली हाइड्रोकार्बन दिख रहे हैं ना आपको, जहां हाइड्रोकार्बन दिखते हैं बेटा आर ग्रुप में, वो क्या है, वो डेफिनेटली बेटा ऑल ऑफ देम आर, है ना, नॉन पोलर, ठीक है। जैसे अभी अगर हम लोग इवन बात करते हैं थ्रियोनाइन के बारे में, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगर मैं 309 ये जो मॉलिक्यूल अगर ड्रॉ करता हूँ, मान लेते हैं, तो ये जो होता है यहाँ पे ये ग्रुप है, ओहो ओके, तो यहाँ पे ये ग्रुप है बेटा, देखो ये आपका है कार्बन, एंड देन दिस इज ऑब्वियसली बेटा अमीनो एसिड, CH3+ चार्ज दिया मैंने, COO नेगेटिव दे दिया मैंने, ठीक है। राइट नाउ हियर we have the CH, then here it is OH and CH3. Now why ये क्यों non ये क्यों polar होगा? group पे नहीं है। अब उसके functional R group को देख लो, है ना, जैसे उसके R group को आपको देखोगे तो आपको work as a negative charge। अरे ये वाला है ना OH, हाँ सर, है ना, तो इसके वजह से है वो पोलर, बाकी कुछ नहीं। हाँ सर वही मैं बोल रहा था, बिल्कुल हाँ, तो मैंने वो तूने आंसर की यहाँ पे इंडिकेट कर दिया मेरे भाई, है ना। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो अमीनो एसिड्स है इनके बारे में डेफिनेटली बेटा जो भी हम लोगों ने पढ़ा, एसिड होते हैं, ये होते हैं सब चीजें बेटा, इसके अलावा भी मतलब जो भी अमीनो एसिड्स के बारे में, जो भी स्ट्रक्चर से उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, देखो अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में, तो अभी आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे जिनमें आपको साइक्लिकल कंपाउंड देखने को मिले आर ग्रुप में, बराबर है ना, तो उनको हम लोग एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अब ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग होते हैं, जैसे कि टायरोसिन, फेनिललानाइन एंड ट्रिप्टोफैन, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है। अब आप इनका आर ग्रुप देखोगे तो आपको 100% बेटा ये देखो, ये देखो और ये देखो, ठीक है, आप तीनों को देख सकते हो डेफिनेटली बेटा, फेनिललानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीनों ही मेरे प्यारे बच्चों एरोमेटिक है। याद रखना प्रोलिन इज नॉट,
रोलिन का जो रिंग बना था वो कार्बन वाला रिंग नहीं था, वो नाइट्रोजन उसके कंटेंट करा के वो बॉन्ड बना रहा है उधर। अरे समझ रहे हो? यस सर। प्रोलिन को जबरदस्ती एरोमेटिक नहीं बन देना, ठीक है? आर ग्रुप अगर एरोमेटिक रिंग है तो, इज इट क्लियर? मतलब सर अगर आर ग्रुप है पूरा वो हेक्सागोन या ऐसा शेप का होगा तभी उसको एरोमेटिक बोलते हैं। एग्जैक्टली, वो बेंजीन से कार्यक्रम शुरू होना चाहिए, ठीक है? तो इफ दिस इज व्हाट वी नो, सो दैट इज व्हाट द, ये तीन है, फेनिलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, है ना? तो ये पीटीटी आप लोग याद रख सकते हो, एरोमेटिक है, ठीक है? सो एरोमेटिक कंपोनेंट्स आर देयर, फेनिलएलानाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है? सो अब यहाँ पे एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है बेटा कि ये ज्विटर आयन एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज ज्विटर आयन? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है। व्हाट इज ज्विटर आयन, ठीक है? तो इसमें देखो बड़ी सिंपल बात है, अ मॉलिक्यूल सच एज एन अमीनो एसिड दैट कैरीज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ज्विटर आयन। जब तक हमने अभी तक जब भी स्ट्रक्चर बनाया अमीनो एसिड का, तो आपको तो पता है यार, यहाँ एक आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है और इधर नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। मतलब इसको ना मैं कैटायन बोल रहा हूँ ना है मैं एनायन बोल रहा हूँ। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, मान लेते बेटा ये पीएच न्यूट्रल पीएच पे, मतलब 7 इस पीएच पे ज्विटर आयन एक कम ना है, ज्विटर आयन है। व्हाट विल हैपन इफ I will add this amino acid into more acidic solution. Sir, pH घट जाएगा। क्या होगा? Acidic डालोगे तो? pH कम होगा। बहुत H plus हो जाएंगे। Yes sir। बहुत H plus acidic में होंगे, तो वो H plus यहाँ पे आके combined हो जाएगा। Sir। Yes sir। तो ये कैसा रहेगा फिर ये molecule? Positive हो जाएगा sir। Positive। Exactly। तो it become cation और anion। बस जो कि उसके स्टैंडर्ड पीएच, जहां पे जिस पीएच पे वो ज्विटर आयन नेचर दिखा रहा है, उससे अगर एसिडिक पीएच में मैं उसे डालता हूं तो वो क्या बन जाता है? कैटायन बन जाता है। कैटायन, ओके बढ़िया। देख लेते हैं यहाँ पे, अगर सपोज इसी ज्विटर आयन को अगर मैंने बेसिक मीडियम में डाला जिसमें कि बहुत ज्यादा ये है बच्चों, सो व्हाट विल हैपन? ये तो उसका नेगेटिव चार्ज मेंटेन रखेगा, बराबर है? बट व्हाट हैपेंस, ये जो एक नाइट्रोजन इसको छीन लेगा यार, ये OH, इट विल फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल, करेक्ट है? यस सर। सो इट विल लॉस इट्स पॉजिटिव चार्ज, इट रिमेंस नेगेटिव। नेगेटिव। व्हेन आई विल ऐड दिस ज्विटर आयन इनटू एन बेसिक मीडियम, इट बिकम्स कैटायनिक और एनायनिक? एनायनिक। क्या टैलेंट है यार तुम लोगों में, खतरनाक है। सही है ये? अरे किसी को डाउट है यार, किसी को ऑब्जेक्शन है बोलो ना, है ना? व्हाट इज ज्विटर आयन, ये तो आपके सामने है ना? सबको समझ में आ रही बात बेटा? अरे पूछो ना। यस, ठीक है, यस, है ना? सो देखो ज्विटर आयन का कंसेप्ट है बहुत आसान। अगर कोई भी एक पीएच होता है जिसको हम लोग उसका आइसो इलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं, जिसपे उसपे दोनों चार्ज आपको देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज ऑब्वियसली बेटा it has a positive as well as negative charge on it, but whenever we add this molecule into an acidic, matlab jis uske isoelectric ph se zyada beta acidic mein agar hum log dalte hain, matlab less ph mein dalenge, to definitely it becomes cation barabar hai। ab main aur question puchta hu, jab ye cation ban jayega to ye acidic banega ya basic rahega? अमीनो एसिड को मैं क्या बोलूंगा, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा मेरे बच्चों? यही तो तुम्हारी टेस्टिंग है रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो बेटा इसी चीज से हम लोग नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे, ज्विटर आयन। परफेक्ट, ठीक है सर। आज हम लोग यहाँ पर रेस्ट करते हैं, है ना? क्योंकि लास्ट और एकदम सैटरडे का क्लास और लास्ट क्लास है, तो बहुत हो गया। संडे को भी, संडे को है? हाँ सर, एक केवी टीवाई का ही है। कब है? कल। मेरा तो नहीं है ना? नहीं आपका नहीं, दूसरा से। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे ग्रुप पे?
रिकॉर्डिंग आप देखो ना, आईआईटी सबके चैनल पे जाओ, केवीपीवाई लेक्चर 2 डालना, अपलोड हो गया होगा तो मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर। केवीपीवाई लेक्चर 2 बायोलॉजी डालो, नहीं तो मेरा नाम डालो एसपी सर, ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वहां पे, सो यू कैन सी इट। ओके चलो, थैंक यू, थैंक यू सर, नाइस नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, हां बेटा, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय 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 बाय। अरे बंद करूं क्या? हां चलो एंड मीटिंग।